हे हाय, कैसे हो? बात सुनो, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा तरीके से जावास्क्रिप्ट में ग्रास्प करवाने के लिए। प्लान क्या है? प्लान है कुछ 30 क्वेश्चन सॉल्व करने का। मेरे पास यहाँ पे शीट है, तो इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। पहले जिन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये एक सॉर्ट ऑफ मिक्सड क्वेश्चन है, ठीक है? कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, मिक्सड क्वेश्चन है। तो मैंने पूरी कोशिश की है लूप्स, अरेज एंड स्ट्रिंग्स को एंड ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करने की। तो कोशिश यही की है कि ऐसे क्वेश्चंस लगवाए जाएं जो यूजुअली इंटरव्यूज़ में आपसे पूछ लिए जाते हैं और उनके जवाब कई बार बहुत सिंपल तरीके से आ जाते हैं, दो तीन लाइन चार लाइन में, बट लोगों को उन तरीकों को पता नहीं होता। तो मज़ा आएगा, है ना? एंड आई बिलीव अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपकी जावास्क्रिप्ट स्किल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, मेरा वादा आपसे, ठीक है? सो दैट इज द गोल आज की क्लास में एंड इस क्लास के अंदर 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है? चलो लेट्स गो फटाफट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन अ स्ट्रिंग रिवर्स ईच वर्ड इन द सेंटेंस। एक स्ट्रिंग दी हुई है, मैं इसको समझाता हूं आपको। गिवन अ स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल हर्ष भाई कैसे हो, ठीक है? तो हर्ष भाई कैसे हो दिया हुआ है, तो रिवर्स ईच वर्ड इन द सेंटेंस, तो ये बन जाएगा एच एस आर ए एच, ये रिवर्स हो गया, और यहां पर ये बन जाएगा आई ए एच बी, और ये बन जाएगा ई एस आई ए के, और ये बन जाएगा ओ एच, ठीक है? तो ये करना है अपन को, जैसे कि ओ ओह इजिया के जुल्ले है, हेलो जी कैसे हो, ठीक है? ओ इजियाक इज ओले है, तो अगर आप पढ़ोगे इसे तो ये लिखा हुआ है हेलो जी कैसे हो, पर्शियन भाषा में दोस्तों, पर्शियन भाषा में कैसे बोलोगे ओ इजिया गजला है, तो वो सोचेंगे क्या बोल दिया तुमने, तो तुम लोग एक्चुअली पूछ रहे हो हेलो जी कैसे हो। अब पर्शियन भाषा है दोस्तों, मैंने मदद कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्शियन से खा रहा हूं आप लोगों को, तो तुम समझ सकते हो कि कितनी अच्छी बात है ये। लेट्स गो, तो गिवन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लेनी है, फटाफट अपन जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है वेयर एस टी आर Which, let's say, contains, सारे जहां से, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है? मान लेते हैं इसमें ये है हिंदुस्तान हमारा, बहुत बढ़िया, तो that's a string, perfect। अब हम इसके सारे वर्ड्स को पकड़ना चाहते हैं, तो समझो सारे वर्ड्स को पकड़ने के लिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट, इसका नाम है स्प्लिट, ठीक है? मैं जरा समझा देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग मैंने लिख दिया हर्ष कैसे हो, क्या आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वर्ड्स कौन है, जहां जहां पे स्पेस है वहां वहां पे वर्ड है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट स्प्लिट, तो कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हो उसके आगे आप डॉट स्प्लिट लगा सकते हो और स्प्लिट कर सकते हो विद द बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड दैट विल रिटर्न यू एन अरे जिसमें तीन मेंबर्स होंगे। तो स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट बेसिकली, स्प्लिट के अंदर आप जो भी पास कर दोगे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से, इस पर्टिकुलर कह सकते हो पैटर्न के बेसिस पे स्प्लिट क्रिएट कर देता है। मैं समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं। देखो इस स्ट्रिंग में कहां कहां स्पेस है, यहां पे, राइट? और हमने स्प्लिट काय के बेसिस पे किया है, स्पेस के बेसिस पे। तो हर्ष अलग हो जाएगा क्योंकि इसके बाद स्पेस है, कैसे अलग हो जाएगा क्योंकि उसके बाद स्पेस है, हो अलग हो जाएगा, देखो, राइट? तो एक अरे मिला है हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट आपके वर्ड के, आपके सेंटेंस के सारे वर्ड्स को बाहर निकाल देता है। अच्छा जी, तो स्प्रिंग डॉट स्प्लिट That will, अच्छा by the way, split को ऐसा मत छोड़ देना, space देना जरूरी है क्योंकि हम split करना चाहते हैं on the basis of space, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे सारे, आप कह सकते हो words आ गए, ठीक है? सारे words आ गए, लेकिन ये array देता है आपको, है ना? अब array पे आप loop कर सकते हो, तो loop करने के लिए क्या use करेंगे, for each, तो array पे हम जब loop करते हैं for each function, और हर बार मुझे एक ठो element मिलेगा e में, right? ये सब हमने पढ़ा हुआ है और ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट अरेज आर, एटलीस्ट यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग जावास्क्रिप्ट, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस विद जावास्क्रिप्ट, राइट? तो फॉर ईच आपको आना चाहिए, आपको लूप्स आने चाहिए, आपको अरेज के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट तो पढ़ा ही होगा, राइट? इन केस इसमें से फॉर एग्जांपल आपको फॉर ईच नहीं आता ना, तो आई बिलीव you can check out some video on internet where somebody teaches you about it, right? Probably Sharian's Coding School teaches about all of this, jo hum use kar rahe hain yahan pe, theek hai? Fatafat let's go. To spring dot split
स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग दैट विल क्रिएट अरे, एंड हमने उस अरे पे फॉर ईच कर दिया, तो एवरी टाइम वी लूप ऑन अ वर्ड एंड दैट वर्ड विल बी ओवर हियर एट ई। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ वर्ड, ई ऑर्ड की जगह वर्ड, परफेक्ट। तो हर बार हमें एक एक वर्ड मिलेगा, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस वर्ड को मुझे उल्टा करना है। तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्ड को वापस से स्प्लिट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग। समझना, अगर मैं क्या पे वर्ड लिख दूं हर्ष, और अगर मैं इसे स्प्लिट करूं ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग तो फिर मुझे क्या मिलता है, तो फिर मुझे एक अरे मिलता है जिसमें सारे कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं, देखो राइट। तो जब मैंने इस वर्ड को स्प्लिट किया ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग, तो ये जो वर्ड था सारे नाम से, जो वर्ड था जहां नाम से, ये सारे वर्ड्स एक एक वर्ड एक अरे बन जाएंगे, राइट। और मैंने उस अरे को कर दिया रिवर्स, मैं समझाता हूं, देखो देखना, ठीक है चले। तो यहां पे एक हर्ष वर्ड है, मैंने स्प्लिट किया ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग, तो इसने मुझे क्या दिया, अरे दिया, राइट। और फिर मैंने उस अरे को क्या कर दिया, तुरंत के तुरंत रिवर्स कर दिया, देखना इसने मुझे अरे दिया था एक एक लेटर का, राइट, और इसने उस अरे को रिवर्स कर दिया, ये देखो ये पलट चुका है, सही है। और फिर उसके अगले ही लाइन पे मैंने बने हुए रिवर्स्ड अरे को वापस ज्वाइन कर दिया विथ नथिंग। और जैसे ही मैंने ये करूंगा, देखिए आपका हर्ष जो वर्ड है वो रिवर्स हो चुका है, सही है। तो दैट इज हाउ वी रिवर्स अ वर्ड। अच्छा, तो हमने यहां पे क्या किया, रिवर्स किया और फिर ज्वाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग। सो यहां पे ये जो वर्ड बन चुका है ये रिवर्स्ड वर्ड है। सीन ये है कि देखो अभी ये जो वर्ड बन रहे हैं ना, ये कहीं सेव्ड नहीं हो रहे, तो आपको इन्हें सेव करना है। अब सेव कैसे करें भाई, सेव कैसे करें, उससे उसके लिए एक अच्छा रास्ता बताऊं मैं आपको। फॉर ईच की जगह आप मैप यूज कर सकते हो, ठीक है, फंक्शन, और यहां पर रिटर्न करिए रिटर्न। तो मैप क्या करता है, मैप के अंदर जो भी चीज रिटर्न होती है वो एक नए अरे में सेव होती रहती है। तो ये सारी चीजें नए अरे में लगातार सेव होती रहेंगी। तो ये वर्ड उल्टा होके नए अरे में सेव होगा, ये वर्ड भी सेव होगा, ये वर्ड भी, तो सारे वर्ड्स उल्टे होके नए अरे में सेव होते रहेंगे। तो हम उसको सेव करा सकते हैं, वेयर सेव्ड स्ट्रिंग। तो ये जो सेव्ड एसटीआर है, आइए चेक करें जरा सेव्ड एसटीआर में क्या आ रहा है। देखो सारे वर्ड्स उल्टे हो चुके हैं, दैट्स एन अरे, राइट। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज We can join that array on the basis of nothing, and that will again make a string out of it. So, जिन लोग को नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, अच्छा by the way मुझे इसे space के साथ join करना है, तो आप देखिए ये word जो है ये उल्टा हो चुका है, सारे word लिखा है, सारे उल्टा करोगे तो इरास बनेगा, perfect। जहां उल्टा करोगे तो आहाज बनेगा, perfect। से उल्टा करोगे तो एस बनेगा, perfect। अच्छा उल्टा करोगे तो अहक्का बनेगा, परफेक्ट। और ये पता नहीं क्या लिखा, हिंदुस्तान को हो गया है नाथ सुदने, और फिर यहाँ पे लिखा है अरमो। ये मुझे वो एक मूवी थी ना, क्या नाम है उसका, बाहुबली, उसमें एक बंदा था ऐसे अंशन भाषा बोलता था, वैसा क्यों साउंड कर रहा है, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो इसमें मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने दो चीजें बार बार यूज करी, उनको दोनों को बता दे रहा हूँ। देखो अगर कोई भी वर्ड है, अगर आप उसे स्प्लिट करोगे विथ नथिंग, so that will give you an array in which there will be every letter separated by comma, theek hai, har ek letter aa jayega, perfect। agar aap use split karoge with for example a, to fir kya hoga, jahan jahan a hoga us a ko chhod diya jayega, uske piche ka part alag kar diya jayega, uske aage ka part alag kar diya jayega। dekho yahan pe a tha to uske piche ka part kaun tha, h, to h alag ho gaya, aur uske aage ka part kya tha, rsh, wo alag ho gaya, right। to is tarike se split kaam karta hai। ek cheez aur, तो जब मैं स्प्लिट कर रहा हूँ विथ नथिंग, तो दैट विल गिव मी एन अरे, और इस अरे को रिवर्स करने के लिए क्या होता है, रिवर्स करने के लिए डॉट रिवर्स होता है, तो आप रिवर्स कर सकते हो, दैट विल रिवर्स दी कह सकते हो अरे, राइट। और फिर अरे को, अरे अरे होता है ना, अरे आपका अरे में कैरेक्टर्स हैं, तो उनको जोड़ के एक स्ट्रिंग भी बना सकते हो, कैसे, डॉट ज्वाइन, एंड दैट विल ज्वाइन एवरीथिंग अप, ठीक है। सो जो आपका हर्ष था, पहले वो स्प्लिट हुआ, सारे लेटर्स अलग हो गए, फिर आपने पूरे लेटर्स को रिवर्स कर दिया, परफेक्ट, और फिर आपने उस रिवर्स्ड बंदे को ज्वाइन कर दिया विथ नथिंग, एंड दैट बिकम्स अ रिवर्स्ड वर्ड, राइट। तो आपने ये किसके लिए चलाया है, ये आपने चलाया है सारे वर्ड्स के लिए अलग अलग। देखो आपने स्प्लिट किया था विथ स्पेस, तो पहले सारे वर्ड्स अलग हो गए थे, राइट, पहले सारे वर्ड्स का एक एक वर्ड का एक अरे बन गया था, राइट, और फिर उसके बाद अपने हर वर्ड पे
वापस से स्प्लिट चलाया जिसने उस वर्ड को लेटर्स में तोड़ दिया, रिवर्स किया, जोड़ दिया और फिर उसका रिटर्न करके आप उसे क्योंकि मैप लगा हुआ है तो रिटर्न करके आपने सेव्ड एसटीआर अरे नाम रखते हो उसका, सेव्ड एसटीआर अरे। तो सेव्ड एसटीआर अरे में बार बार वो पुश होते गए, राइट। अगर आप चेक करोगे ना तो सेव्ड एसटीआर अरे में सारे बंदे हैं, राइट। सो दैट वॉज क्वेश्चन वन, लेट्स गो एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू। तो अगला क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन अरे और नॉट। सो हमें ये चेक करना है कि हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है या इज एन अरे और नॉट, मतलब ओके राइट ठीक है। मैं जरा एक डेमो देता हूँ तुम्हें, क्या ये अरे है? बिल्कुल ये अरे है, लेकिन अगर आप चेक करोगे टाइप ऑफ के थ्रू तो ये अरे को भी क्या बोलेगा? ऑब्जेक्ट बोलेगा। तो हमें चेक करना है कि भाई इफ दैट इज एन अरे और नॉट, राइट। सो चलें लेट्स सी। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिया और यहाँ पे चेक अरे नाम से फंक्शन है और इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट मांगा है, ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। चेक अरे में मैंने पहली बार में एक अरे भेजा है और दूसरी बार में मैंने इसमें एक लिटरली एक ऑब्जेक्ट भेजा है, ठीक है। और चेक करें कब ये अरे है कब ये ऑब्जेक्ट है। तो सवाल है कैसे? तो पहली बार में मैंने एक अरे भेजा है, दूसरी बार में एक ऑब्जेक्ट भेजा है, तो पहली बार में इसका आंसर आना चाहिए ट्रू क्योंकि ये अरे है और दूसरी बार में आंसर आना चाहिए फॉल्स क्योंकि ये अरे नहीं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम टाइप ऑफ यूज नहीं कर सकते क्योंकि टाइप ऑफ अरे को भी क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम ये मतलब मेथड यूज नहीं कर सकते पता करने के लिए। तो सवाल है कि भाई फिर आप क्या यूज करोगे? तो फिर हमारे पास कैपिटल ए अरे नाम से एक कंस्ट्रक्टर है, क्लास है, ठीक है। उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं इज अरे मेथड, ठीक है। और इसके अंदर हम जो यूज करेंगे तो बेसिकली करना क्या है, इसमें आप जो भी एलिमेंट पास कर दोगे ये आपको बताता है कि भाई वो चीज़ अरे है या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक डेमो दे दूँ, एक डेमो देख लो पहले आप। कैपिटल ए अरे डॉट इज अरे, अगर मैं इसमें एक अरे पास करूँगा तो इट विल रिटर्न मी ट्रू, अगर मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा इट विल रिटर्न मी फॉल्स। सिंपल, तो हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। इफ़ यू वॉन्ट आप रिटर्न भी कर सकते हो, कंसोल लॉग भी कर सकते हो। कंसोल लॉग करना तो यहीं से आंसर प्रिंट हो जाएगा, बट कई बार कंसोल लॉग की जगह रिटर्न करने के लिए बोला जाता है तो हम रिटर्न भी कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। तो आप देख सकते हो पहले केस में ट्रू आ रहा, दूसरे केस में फॉल्स आ रहा। तो पहले केस में अरे हमने दिया था तो दैट्स वाई इट्स ट्रू, और दूसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट दिया था दैट्स वाई इट्स फॉल्स, सही है। तो आप कंसोल लॉग भी कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट, बट मैं आपको एक रिटर्न करके भी बता दे रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे रिटर्न किया है, और रिटर्न किया है तो क्योंकि रिटर्न का आंसर वापस यहीं पर आएगा तो हमें अब इस पार्ट को कंसोल लॉग करना पड़ेगा। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट रिटर्न डस, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ। वेट, देखो रिटर्न का मतलब होता है वहां पर वापस जाओ जहां की वजह से फंक्शन चला था। फंक्शन कहां की वजह से चला था? चेक करें फंक्शन कहां की वजह से चला था, लाइन नंबर 5 की वजह से, क्योंकि हमने यहीं पर उसे कॉल किया है। तो रिटर्न जब वापस आएगा ना तो इसी जगह पर वापस आएगा चेक अरे के पास। तो रिटर्न क्या करवाया था हमने? इसका आंसर या तो ट्रू या फॉल्स आया होगा, राइट। तो रिटर्न क्या लेकर आया? ट्रू या फॉल्स। कहाँ लेकर आया? इसकी जगह पर। तो जो भी ट्रू या फॉल्स आया होगा वो कंसोल लॉग हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। सो दैट वॉज द बेसिक्स ऑफ रिटर्न। मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटा सा रिपीटेशन दे रहा हूँ, मैंने क्या पढ़ाया। कैपिटल ए अरे डॉट इज अरे, इस मेथड के अंदर आपके पास एक रास्ता है ये पता करने का कि अगर आप इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज रखोगे जो अरे नहीं है तो ये फॉल्स देगा, अगर कोई भी ऐसी चीज रखोगे जो अरे है तो ये ट्रू देगा, राइट। तो दिस इज द परफेक्ट वे टू अंडरस्टैंड कि भाई पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा अरे है या ऑब्जेक्ट है या कुछ और है, राइट, अरे है या नहीं, बस इतना पता करने के लिए दिस इज द वे, परफेक्ट। सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर टू। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री। सो हाउ टू एम्प्टी एन अरे इन जावास्क्रिप्ट, एक जावास्क्रिप्ट में एक अरे को एम्प्टी कैसे करें। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा बोल देते हैं डू नॉट रीसेट इट टू अ न्यू अरे। मैं समझाऊंगा, ठीक है। एंड डू नॉट लूप थ्रू टू पॉप ईच वैल्यू। तो ऐसा बोल देते हैं कि भाई आप रीसेट भी नहीं करना और लूप भी मत करिए, ऐसा बोल दिया। तो अभी आप क्या करोगे,
कहने का मतलब जिनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल आपका एक अरे है, ठीक है, उसकी एक वैल्यू, उसमें वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, तो आप क्या नहीं कर सकते, अरे को वापस से आप रीसेट मत करिए, ठीक है, और आप साथ ही साथ एक लूप नहीं चला सकते पॉप करने के लिए, तो फिर आप कैसे ऐसे रीसेट, कैसे आप अरे को हाउ टू एम्प्टी एन अरे, आप उस अरे को एम्प्टी कैसे करोगे, ठीक है, तो एम्प्टी करना लेट्स सी बहुत आसान है, कई बार आप ये सोच भी नहीं सकते इसका आंसर कैसे आएगा, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं होता कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में ये अलाउड नहीं है, जावा में इट्स अलाउड, तो हम इसलिए सोचते भी नहीं है कि भाई अब पता भी नहीं होता कि अलाउड है या नहीं, राइट। मैं आपको डेमो दूँ, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं अरे की लेंथ आपको चेक करके बताता हूँ, अरे डॉट लेंथ, क्या लेंथ है 6, क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। देखना चाहोगे कैसे अरे को हम लोग ब्लैंक करें, arr डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, क्या ये हो गया, हाँ ये हो गया दोस्त, सी अरे ब्लैंक हो चुका है, राइट, क्या हम ये सच में कर सकते हैं, हाँ पहले अरे क्या था 6 एलिमेंट थे और मैंने लेंथ 0 कर दी, तो अब अरे में एक भी एलिमेंट नहीं है, ओके, सो दैट वॉज क्विक, मैं समझता हूँ कई बार ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा बड़ा सा कोड नहीं था, इट्स नॉट अबाउट बड़ा कोड या छोटा कोड, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स एंड गेटिंग टू नो न्यू थिंग्स, राइट, इट्स अबाउट दैट। सो मेरा मेन विजन या मेन गोल ये नहीं है कि सिर्फ नया नया कुछ बड़ा सा कोड लिखवाओ, मेरा गोल है कुछ नई चीज़ें जिस तरीके से आपने कभी सोची ना हो, कुछ वैसा कुछ पढ़ाना। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 लगा लिया, बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। हाउ वुड यू चेक इफ अ नंबर इज एन इंटीजर, दिस इज एन ईजी वन, कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर इंटीजर है, कैसे पता चलेगा, क्या हमारे पास कोई क्लास है, लेट्स सी नंबर डॉट इज इंटीजर, हाँ है, इज इंटीजर, क्या हमारे पास वो है 1.2, नो 1, यस, ठीक है, तो हमारे पास ये है, तो क्या हम ये यूज करेंगे, नहीं, लेट्स सी वहाँ पे एक बोल दिया गया है कि भाई आपको इज इंटीजर यूज नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, तब फिर आप कैसे पता करोगे, तो हमारे पास ये अवेलेबल है, मैंने ये बता दिया कि ये अवेलेबल है, ठीक है, ये फ्री में बता दिया है। अब आते जरा क्वेश्चन पे, तो अपने पास एक नंबर है वेयर ए, उसकी वैल्यू 12 है, तो आपको पता करना है कि भाई ये इंटीजर है या नहीं है, तो देख के तो क्लियरली पता चल रहा है कि इंटीजर है, बट और आपको बोला गया इस इंटीजर से चेक भी नहीं करना है, ठीक है, तब फिर क्या करोगे। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ पढ़ी, उसका नाम है मॉड साइन। मॉड साइन क्या होता है, मॉड साइन रिमाइंडर देता है, मॉड साइन क्या देता है, रिमाइंडर। जरा मुझे एक बात बताओ 12 को 1 कितनी बार में डिवाइड करेगा, 12 बार में, सही है ना, अगर 12 को डिवाइड करना हो 1 से तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 12 बार में, आंसर क्या आएगा 12, राइट, रिमाइंडर कितना बचा 0, सही है ना, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं। और 13 को अगर मुझे डिवाइड करना हो तो 13 को 1 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 13 बार में, सही है ना, रिमाइंडर कितना है 0। जरा सोचना 14.5 को अगर मुझे डिवाइड करना हो 1 से, तो आप सोचोगे 14.5 बार में डिवाइड होगा, नहीं दोस्त 14 बार में डिवाइड होगा, 1.5 को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, जो 1 है वो 0.5 को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1.5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1.5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो रिमाइंडर क्या है 0.5, क्या वो 0 है, नहीं है, राइट, तो हम यही टेक्निक यूज करेंगे। देखो अगर ए में जो भी वैल्यू है, वी डोंट नो क्या वैल्यू है, 12 है इस वक्त, ओके, ए में जो भी वैल्यू है अगर उसे 1 से मॉड करने पे आंसर 0 आ जाता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि भैया ये इंटीजर है, ठीक है, नहीं तो हम कह देंगे इंटीजर नहीं है, परफेक्ट, तो ये कह रहा है ये इंटीजर है, अच्छा और चेक करें 12.1 नॉट, 12.9 नॉट, 12.0 इंटीजर, तो 12.0 इज इंटीजर बट 12.9 इज नॉट, राइट, दैट्स हाउ वी गो फॉर इट। अच्छा एक चीज और देखें, कैपिटल एन नंबर, तो मैंने 1.0 क्या अभी भी इंटीजर है, यस इट इज, परफेक्ट, तो दोनों ही रास्ते हैं, आप दोनों ही यूज कर सकते हो, दोनों ही सही रास्ते हैं, दोनों ही बढ़िया रास्ते हैं, आप दोनों रास्तों में से जो मन में आए वो यूज कर सकते हो, बट कई बार चीज़ें पता होना एक बढ़िया चीज़ होती है कि हाँ यार मॉड 1 भी तो कर सकते थे, अगर हम 14 को 1 से डिवाइड करें तो 14 बार में डिवाइड हो जाएगा, 14.2 को 1 से डिवाइड करें तो 14 बार में डिवाइड होगा लेकिन 0.2 बच जाएगा, राइट, तो दैट इज अ वे टू अंडरस्टैंड इट, तो इससे दिमाग खुलता है,
समझ रहे हो ना? तो दैट इज अबाउट आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 4 था ये. यस, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. मेक दिस वर्क. सो डुप्लीकेट्स का नेम, तो ऐसा है कि डुप्लीकेट एक फंक्शन होना चाहिए जिसमें अगर हम एक अरे पास करते हैं तो उस अरे को दो बार डुप्लीकेट करते हैं. देखो 1 2 3 4 5 पास किया था, तो 1 2 3 4 5 है और फिर अगला भी 1 2 3 4 5 है. तो काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है ये, है ना? तो फंक्शन उसका नाम हमें दिया गया है डुप्लीकेट रखना है और यहाँ पे एक अरे रिसीव करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेता हूँ. एक अरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5, सो दैट्स एन अरे एंड हमें उसे डुप्लीकेट करना है. राइट, अच्छा तो मैं ज़रा एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा देता हूँ तुम्हें. उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल एक अरे है वेयर ए, ठीक है, सो दैट्स एन अरे 1 2 3 1 2 एंड 3, सो दैट्स एन अरे. राइट, एंड हमारे पास ये अरे है. अब मुझे करना ये है कि इस अरे को डुप्लीकेट करना है. तो एक रास्ता है, पूछो क्या. वो रास्ता ये है a.concat. concat मतलब जोड़ना. तो हम a मतलब अरे, अरे में जोड़ रहे हैं. क्या जोड़ रहे हैं अरे में, हम क्या जोड़ रहे हैं, a को. देयर वी गो, खत्म, फिनिश्ड, सिंपल एज दैट. ऑलराइट, तो हमने a मतलब अरे में, concat मतलब जोड़ दिया किसे, अरे को. अरे में क्या था, 1 2 3. तो अरे में अगर 1 2 3 जोड़ोगे तो 1 2 3 के बाद 1 2 3 और जुड़ जाएगा. ओके ओके राइट, डॉट concat arr, परफेक्ट. सो अच्छा, रिटर्न करना तो मैं भूल ही गया, रिटर्न कर लेते हैं और इसका आंसर यहाँ पे सेव करा लेते हैं. ठीक है जी, कंसोल डॉट लॉक एंड देयर वी गो. ओए चल जाओ प्लीज, थैंक यू, देयर वी गो. राइट, सो यू कैन सी 1 2 3 4 5. ओ मैंने शायद रिपीट कर दिया. यस, मैंने खुद से रिपीट किया, मैंने सोचा गड़बड़ हो गई. ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, परफेक्ट, इट्स वर्किंग जस्ट फाइन. राइट, सो अभी हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड आई बिलीव तुम लोग को अभी तक तो समझ आ रहा होगा. अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे. तो अभी फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है चलो, तो अभी 6th क्वेश्चन है. राइट, अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिवर्स अ नंबर. क्या है 6th क्वेश्चन? हाँ ये 6th क्वेश्चन है. ठीक है, तो एक फंक्शन बनाना है जो कि नंबर को रिवर्स करेगा. ठीक है, फंक्शन रिवर्स करो ऐसा नाम रख देते हैं. ठीक है, तो ये नंबर रिसीव करेगा एंड उसे रिवर्स करेगा. अच्छा ठीक है, तो रिवर्स करो नंबर को, रिवर्स करो फंक्शन को. मैंने 12 दे दिया एंड इट शुड मेक इट 21. अच्छा मेरे पास दो रास्ते हैं इसके लिए, एक लंबा रास्ता है एक सस्ता रास्ता, सस्ता छोटा रास्ता है. ठीक है, तो हम कहेंगे नंबर, पहले छोटा रास्ता देखो. नंबर को मैंने 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया. अब तुम मन में सोच सकते हो कि यार भैया ये क्यों कर रहे हो. तो फॉर एग्जांपल 12 को अगर मैं 2 स्ट्रिंग बनाऊं तो दैट विल ओ वेट जस्ट अ मिनट, 12a.2 string, कैन वी डू दैट? यस ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर आ गया है, एक नंबर आ गया जो कि स्ट्रिंग बन चुका है. ठीक है, तो भैया आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उसे स्प्लिट कर सकूं. स्प्लिट हमने पढ़ा है, राइट, स्प्लिट हम कर सकें और वो हमें 1 और 2 अलग अलग दे देगा. फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हें पता है, मैं इसको रिवर्स कर दूंगा. ठीक है, तो वो मुझे 2 1 दे देंगे. फिर तुम्हें आगे भी पता है मैं क्या करूंगा, मैं इसे फिर ज्वाइन कर दूंगा विद ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग. ठीक है, तो दैट विल गिव मी 21. लेकिन क्या ये नंबर है? नहीं, ये तो स्ट्रिंग है, तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा. क्या मेरे पास 2 नंबर होता है? नहीं, मेरे पास 2 नंबर नहीं होता है. तो फिर क्या है, कैपिटल एन नंबर के अंदर आप जो भी पास करोगे वो नंबर बन जाता है. सी 12 क्या बन गया, 21. तो मैं आपको दिखाता हूँ. वेट, अभी ऐसा लग रहा हो काफ़ी डिफिकल्ट, राइट, परेशान मत हो. तो जो भी नंबर अपने पास क्या है, 12 का स्ट्रिंग बन चुका है, क्या मैंने उसे स्प्लिट कर दिया? जी हाँ, मैंने स्प्लिट कर दिया. और क्या मैं उसके तुरंत बाद उसे ज्वाइन कर रहा हूँ? नहीं, तुरंत ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ पहले और फिर उसके बाद मैं उसे ज्वाइन कर रहा हूँ. तो यहाँ तक क्या हुआ, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक 12 जो है पहले वो स्ट्रिंग बना, तो स्ट्रिंग का 12, फिर उसके बाद वो 1 एंड 2 अलग हो गए, फिर उसके बाद रिवर्स हुआ तो 1 एंड 2 एक्चुअली 2 एंड 1 बन गए, एंड फिर उसके बाद 2 एंड 1 मिलके 21 एज अ स्ट्रिंग बन गए. अब मैं स्ट्रिंग नहीं चाहता, मैं नंबर चाहता हूँ, तो मैं इस पूरी चीज़ को कैपिटल एन नंबर के अंदर रख दूंगा. अगर आप नहीं समझ पाए क्या हो रहा है, वेट, हमारा आंसर क्या बन चुका है, स्ट्रिंग का 21, राइट. अगर मैं उसे कैपिटल एन नंबर में रख दूं, कैपिटल एन नंबर, सो दैट मेक्स इट एक्चुअल नंबर एंड नॉट अ स्ट्रिंग. अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि भैया इसमें और इसमें क्या फर्क है, अब फर्क ये है कि ये 21 नहीं लिखा है, ये 21 लिखा है और ये 21 लिखा है. अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए तो इस 21 में
2-1 में 2 जोड़ने पे 2-1-2 बन जाएगा, ठीक है, और 21 में 2 जोड़ने पे 23 बनेगा। दोनों में ये फर्क है। तो ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, ये फर्क है दोनों में, ठीक है साहब। तो यहां पर हमने क्या किया, वो जो स्ट्रिंग थी उसे क्या बना दिया, नंबर बना दिया। अच्छा जी, पर आपने रिटर्न तो किया ही नहीं, तो रिटर्न करो, ठीक है, और फिर उसके बाद इसके आंसर को आप प्रिंट कर सकते हो, चेक करिए, ठीक है, परफेक्ट। सो अगर हम समझे तो हमारा नंबर रिवर्स हो चुका है, राइट। अब और नंबर ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा 5 4 3 2 1, परफेक्ट। तो ये एक रास्ता है भैया। यार आप तो बड़ा जल्दी जल्दी वन लाइनर्स में सॉल्व कर रहे हो, क्या ये सही तरीका है? यार डिपेंड करता है तुम क्या सोचते हो। कई बार अगर मना कर दिया उन्होंने, कहा कि नहीं भाई आप इसके जगह कुछ और तरीका तैयार करो, लूप्स यूज करो, ऑल ऑफ दैट, तो फिर ठीक है, वी हैव अनदर वे टू डू इट। नहीं तो आप खुद से भी पूछ सकते हो कि भाई यू गॉट वन लाइनर वे टू सॉल्व इट, शुड यू ट्राई दैट और शुड यू गो फॉर लूप्स और समथिंग लाइक दैट। तो वो भी आप पूछ सकते हो इफ दे से कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है वन लाइनर में, तो आप वन लाइनर ट्राई कर सकते हो। इफ दे से कि नहीं यार वी आर हेयर टू सी कि आप लॉजिक्स कैसे बिल्ड करते हो, तो फिर ठीक है वो अलग बात है, राइट। तो आप फिर भी इन तरीकों को अपने रियल लाइफ केसेस में यूज कर सकते हो, मतलब मैं ये कहूँगा, ठीक है, लेट्स गो। तो चलो, तो रिवर्स करना है ना, तो नंबर हमारे पास नंबर में आ चुका है, सही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ जरा देखना, जब तक नंबर जीरो से बड़ा है, जब तक नंबर जीरो से बड़ा है, हमारा टेक्निक क्या है, टेक्निक समझाऊ, हमारी टेक्निक ये है 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैं इसका आखिरी नंबर बाहर निकालना चाहता हूँ। तो गेम प्लान ये है कि आखिरी नंबर बाहर निकालने के लिए इसे मॉड 10 करना है। मॉड 10 क्या करता है, देखो 1 2 3 4, मॉड 10 करने से क्या होता है, आखिरी डिजिट बाहर आ जाती है। नंबर चाहे कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, जो मन में आए वो नंबर ले लो, मॉड 10 करने पे आंसर हमेशा आता है आखिरी डिजिट, ठीक है, तो आखिरी डिजिट बाहर आ जाएगी, राइट। अब जो तुम्हारा नंबर था उस नंबर को बाई 10 करेंगे, ठीक है, और उससे आप ये वाला पार्ट बाहर निकाल लीजिए, आपका इंटीजर पार्ट। और वो कैसे होगा, जस्ट अ मिनट, नंबर डॉट टू इंटीजर नहीं है हमारे पास, तो मैं एक काम करता हूँ, वो निकाल लेता हूँ, मैथ डॉट सीलिंग। सो मैथ डॉट सीलिंग भी नहीं है एक्चुअली, आई विल गो फॉर मैथ डॉट फ्लोर, कम ऑन मैथ डॉट फ्लोर, या सो दैट विल गिव मी 7 6 7 6 7 8, जो भी है, राइट। तो दिस इज हाउ विल डू इट। तो अगर अपन समझे हिंदी में जल्दी जल्दी, तो प्लान ये है, आपके पास जो भी नंबर है मॉड 10 करके आप उसकी आखिरी डिजिट निकालिए, फिर आप पूरे नंबर को बाई 10 कर दीजिए और फ्लोर कर दीजिए, तो उससे क्या मिल जाएगा 1 2 3, और फिर से मॉड 10 करिए एंड कीप डूइंग इट। तो लेट्स ट्राई इट, लेट्स सी। तो सबसे पहले कर क्या रहे हैं, हमारे पास जो नंबर है वो नम में है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं जब तक नंबर जीरो से बड़ा है, जब तक नंबर जीरो से बड़ा है, 1 2 3 4 क्या जीरो से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तब फिर आप नम इज इक्वल टू नम बाई 10 करो, और इसे लगातार आपको इंटीजर में कन्वर्ट करके रखना है, तो मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, बढ़िया। तो अगर अपन समझे तो ये लगातार नंबर को तोड़ेगा, तो 1 2 3 4 पहली बार में इस कैलकुलेशन के बाद क्या बन जाएगा, 1 2 3, फिर अगली बार में 12, फिर अगली बार में 1, फिर अगली बार में 0। अगर नहीं समझे, 1 2 3 4 इस कैलकुलेशन के बाद क्या बन जाएगा, मैथ डॉट फ्लोर करने के बाद बन जाएगा 1 2 3, और फिर 1 2 3 बाई 10 क्या बन जाएगा, 12, फिर 12 बाई 10 क्या बन जाएगा, 1, और फिर 1 बाई 10 क्या बन जाएगा, 0। तो एट लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू बार बार कायम में सेव कर रहे हैं नम में, ठीक है, तो नंबर एट द एंड ऑफ द डे 0 हो जाएगा, राइट। और जब 0 हो जाएगा तो वैल्यू बंद हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो अगर अपन समझे तो यहां तक नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर हमारा सॉर्ट ऑफ टूट रहा है, 1 2 3 4 टूट रहा है बार बार। अच्छा, अब हमें हर बार उसकी आखिरी डिजिट भी तो निकालनी है, तो नम मॉड 10 दैट विल गिव अस द लास्ट डिजिट, राइट, इंट रिमाइंडर, बढ़िया। तो रिमाइंडर जो है वो बार इंट नहीं, एक्चुअली वैर, सी की आदत हो गई थोड़ी सी, सी लैंग्वेज की, ठीक है, तो वैर रैम इज इक्वल टू नम 10, तो नम आपका जो भी नंबर है मॉड 10, तो उससे आपको आखिरी डिजिट बार बार बाहर आती रहेगी। अच्छा, तो अगर अपन समझे तो 1 2 3 4 मॉड 10 विल गिव यू 4, तो रैम में क्या सेव्ड है इस वक्त, 4। अब रिवर्स करना है, राइट, तो वाइल के ऊपर आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। ऐसा क्यों किया मैंने, रिवर्स इंटू 10, देखना रिवर्स इंटू 10, तो 0 इसकी वैल्यू है, 0 इंटू 10, ठीक है, प्लस जो भी रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आया था पहली बार में, 1 2 3 4 का 4 आया था, राइट,
तो इसकी वैल्यू पहली बार में क्या आई, इसका आंसर 4 आया। तो अगर अपन समझें 1, 2, 3, 4 में अगर हम पहली डिजिट बाहर निकाल के लिख दें तो पहली डिजिट रिवर्स होके 4 ही तो बनेगी, राइट। तो भाई आपने ये क्या लिख दिया है, हमें समझ नहीं आ रहा है। अभी आएगा समझ में, देखो अभी आएगा समझ में, स्क्रीन देखते रहो, राइट। तो अगर अपन हिंदी समझे तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रैम। इससे क्या हो रहा है, रिवर्स की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 10 हुआ 0 प्लस रैम हुआ, प्लस रैम हुआ क्या 4, राइट। जरा समझाता हूं मैं आपको, नंबर की वैल्यू 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4 ठीक है, रिवर्स की वैल्यू 0 मान लेते हैं, रिवर्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा समझ में, बस थोड़ा सा रुको, लेट्स गो। सबसे पहले मुझे बताओ क्या नंबर 0 से बड़ा है, हाँ नंबर 0 से बड़ा है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 मॉड 10, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हुई, रिमाइंडर की वैल्यू क्या हुई 4, सही है 4 हुई, परफेक्ट। फिर उसके बाद रिवर्स की वैल्यू क्या है, 0, 0 इंटू 10 कितने होते हैं, 0 इंटू 10 होते हैं 0, प्लस रैम, रैम की वैल्यू क्या चल रही है 4, तो रैम की नई वैल्यू क्या हो गई 4, तो 0 हट के क्या वैल्यू हो गई 4, अच्छा। फिर नंबर की वैल्यू नई क्या हो गई, नंबर की नई वैल्यू है पिछला नंबर जो कि 1, 2, 3, 4 बाई 10 और उसको फ्लोर कर दिया, तो बिकम्स 1, 2, 3। अब मुझे बताओ व्हाइल का लूप फिर से चल रहा है, क्या नंबर अभी भी 0 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, तो 1, 2, 3 विच इज नंबर 1, 2, 3 मॉड 10 दैट विल गिव यू 3, ठीक है। तो रैम की नई वैल्यू क्या है 3, ठीक है, और रैम की पुरानी वैल्यू क्या है 4, 4 इंटू 10 बिकम्स 40 प्लस रैम, रैम की नई वैल्यू 3 है दैट बिकम्स 43, और सेव कायम हो जाता है रैम में 43, परफेक्ट। रैम का मतलब रिवर्स है, रैम का मतलब रिमाइंडर है, अच्छा ओके ओके। फिर उसके बाद नम बाई 10 कितना हुआ, 1, 2, 3 बाई 10 हुआ 12.3, और फ्लोर करने से क्या होगा, पॉइंट वाला पार्ट हट जाएगा, बचा सिर्फ 12, अच्छा। क्या नंबर अभी भी 0 से बड़ा है, जी हाँ, ठीक है, 12 मॉड 10 विल गिव यू 2, 2 सेव हुआ कायम है रैम में, गो 2। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ नीचे, रैम इंटू 10 क्या हो रहा है भैया, 43 इंटू 10 बिकम्स 430 प्लस रैम बिकम्स 430 एंड 2, कायम सेव हो गया रैफ में, तो रैफ की नई वैल्यू क्या है 432, अच्छा। नम आपका क्या चल रहा है 12 बाई 10 कितना होता है, 12 बाई 10 होता है 1.2, और क्योंकि वो फ्लोर है तो फिर 1.2 नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या नम अभी भी 0 से बड़ा है, जी हाँ 1 0 से बड़ा होता है, तो 1 मॉड 10 क्या 10 1 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कितना बचा 1 बचा, तो रैम की नई वैल्यू क्या है 1 है, तो रैफ की पुरानी वैल्यू 432 इंटू 10 गोज 4320 प्लस रैम, रैम इज 1 सो गोज 4321, परफेक्ट। अगर हम 1 बाई 10 करें तो दैट बिकम 0, दैट बिकम 0, राइट, और क्योंकि ऑब्वियसली 1 बाई 10 0 आएगा, राइट 0.1, एंड क्योंकि हमने फ्लोर लगा रखा है तो हम पॉइंट वाला पार्ट हटा देंगे, बचेगा सिर्फ 0। तो क्या 0 अभी भी 0 से बड़ा है, नम नम विच इज 0, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं 0 0 के बराबर है, और इस बार व्हाइल का लूप नहीं चलेगा, ठीक है। सो दैट वॉज द कैलकुलेशन, और ध्यान से देखो रेफ के अंदर वैल्यू क्या है 4321, तो हमने नम में दिया था 1, 2, 3, 4, तो रेफ में वैल्यू क्या हो गई है 4321, और नम जो आपने भेजा था उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है 0, तो आपका आंसर कायम सेव है रेफ में, तो आपको वही आंसर प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, चलिए प्रिंट की जगह रेफ, बढ़िया। तो अगर मैं इसे चलाऊंगा कंसोल लॉग, कंसोल लॉग, एंड मैं यहाँ पे चला रहा हूँ रिवर्स करो, रिवर्स करो, उसमें मैंने देख दिया 1, 2, 3, 4, लेट्स सी व्हाट इट गेट्स, 4, 3, 2, 1, परफेक्ट। तो एक रास्ता ये भी है, तो ये जस्ट इसका उल्टा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, परफेक्ट, वी डूइंग अमेजिंग जॉब, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। राइट इज आस्क्ड फंक्शन दैट चेक्स वेदर अ पास स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम ऑर नॉट। सो अपने पास एक फंक्शन बनाना है, स्ट्रिंग पैल चेकर, ठीक है, विल रिसीव अ स्ट्रिंग ओवर हियर, एंड द जॉब इज टू चेक वेदर द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग ऑर नॉट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, पूप, नहीं मैं पूप बोल नहीं रहा हूं, पूप एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, उल्टा सीधा एक बराबर, आप चाहे इस वे में पढ़िए या इस वे में पढ़िए, ये पूप ही लिखा है, लूल, तो आप चाहे इस वे में पढ़ें या इस वे में पढ़ें, ये लूल ही है, राइट। लेकिन क्या लूप, लूप पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, नहीं, यहां से लूप लिखा है पर यहां से पूल लिखा है, तो वी विल नॉट कॉल इट पैलिंड्रोमिक। अब सवाल है भैया ये कैसे करोगे, अगेन यार सेम लॉजिक लगने वाला है, देखो ना
loop dot split, right? And that will give us this. Now reverse it. That will give us this. Now join it with nothing. And that will give us pool. ठीक है, तो अपन को सेम लॉजिक लगाना है, तो इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं मैं और लिख लेते हैं, और इसको हम लिख लेते हैं रिवर्स्ड, एक वेरिएबल में ले लेते हैं रिवर्स्ड। ठीक है जी, परफेक्ट। और रिवर्स्ड नहीं, रिवर्स्ड। अच्छा, अब मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर की यूज कर रहा हूँ, आप इफेल्स भी यूज कर सकते हो, वो भी बता दे रहा हूँ पहले, देख लो। अगर रिवर्स्ड, अगर रिवर्स स्प्रिंग बराबर है मेन स्प्रिंग के, तो फिर आप रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दो एल्स रिटर्न फॉल्स। इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, परफेक्ट। तो आप ये कर सकते हो, तो आओ चेक करें स्ट्रिंग पैल चेकअप। तो मैंने यहां पे स्ट्रिंग भेज दी एंड एक बार स्ट्रिंग भेज दी लूप, और दोनों में ही चेक करने के लिए आपको इसे कंसोल लॉग में करना पड़ेगा। ठीक है जी, एंड यहां पर भी आगे कंसोल लॉग। तो पहली स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है, दूसरी नहीं है, तो पैलिंड्रोमिक है दूसरी नहीं है, परफेक्ट। और अगर आप चाहें तो टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। देखना, अगर रिवर्स्ड बराबर है किस स्ट्रिंग के अगर है, तो बाय द वे ऐसा भी जरूरत नहीं, आप जस्ट ये लिख दो रिटर्न रिवर्सेस, क्योंकि ये एक कंडीशन है, तो या तो ये ट्रू देगा या तो ये फॉल्स देगा। तो अगर ट्रू देगा तो वो रिटर्न हो जाएगा, अगर फॉल्स देगा तो भी रिटर्न हो जाएगा। तो आपको मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो, एक ये तरीका है। तो रिवर्स्ड अगर क्या बराबर है स्ट्रिंग के, अगर ये ट्रू होगा तो रिटर्न आगे लगाए, तो जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो भी रिटर्न हो जाएगा, राइट? तो आपको वैसे भी प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, परफेक्ट। सो दैट वॉज वन मोर क्वेश्चन वी सॉल्व, राइट? Let's move to the next one. So, write a JavaScript function that returns a parse string with letters in alphabetical order. Okay. So, alphabetical order mein, theek hai, toh zara question samajh lete, write a JavaScript function that returns a parse string with letters in alphabetical orders. In alphabetical, oh, yay, got it. Right. So, agar Harsh likha hai, toh that will become A, H, H, R, S. Nahi samjhe. For example, एप्पल लिखा है, दैट विल बिकम ए ई एल ई पी। जो भी वर्ड है उसके लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएं, सॉर्ट ऑफ ये, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम ये कर सकते हैं, अगेन स्प्लेटेड, अगेन स्प्लेटेड विथ नथिंग एंड देन सॉर्टेड। यस, there we go, so we can sort it, right, perfect. So function, to mera function ka naam hai string, and jo bhi mere ko string receive ho rahi hai, let's split it and then straight away sort it, that will sort the string. Okay, so whatever the answer is, we'll return that. Nice. So we'll say string alphabetical order, and we will pass a string, for example apple, and that will give us an answer. But obviously we need to console log it. That is one way to print things, right, in JavaScript. So acha, by the way, keys aur batau, not just sort it, but I'll say join it as well. Yeah, so a e l p p a h h r s, perfect. So, जैसा हमें चाहिए था वैसा ही आंसर आ गया है, परफेक्ट। लेट्स गो, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखे विच एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, ठीक है, एंड कन्वर्ट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग इन अपर केस। अच्छा जी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, हर्ष भाई कैसे हो, ठीक है, आपको इसे कन्वर्ट करना है, हर्ष भाई कैसे हो, ठीक है। तो ये चीज कैसे करेंगे, एक्चुअली इजी है, लेट्स गो। फंक्शन कैपिटलाइज कहते हैं इसे सीएसएस में, कैपिटलाइज करो, ठीक है,
इजी भी है, डिफिकल्ट भी है, डिपेंड्स आपका लेवल क्या है। आइडिया ये है कि सारे वर्ड्स को अलग करो, उसमें स्प्लिट यूज़ होगा, स्प्रिंग डॉट स्प्लिट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है स्प्लिट स्प्रिंग्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हमने स्प्लिट कर लिया, अब हर वर्ड अलग अलग हो चुका है। ठीक है, अब मुझे सारे वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल करना है, बाकी की स्ट्रिंग जैसे तक जोड़नी है। अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो कुछ ऐसा है, हर्ष तो ये एक वर्ड है हमारा, वर्ड अरे यार कम ऑन प्लीज। ठीक है, ये हमारा वर्ड हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं वर्ड का कैरेक्टर एट, कैरेक्टर एट से मैं कोई भी इंडेक्स का कैरेक्टर उठा सकता हूँ। तो कैरेक्टर एट जीरो जो है वो एच है, उसको मैं टू अपर केस कर दूंगा, टू अपर केस। ठीक है जी, तो दैट विल गिव मी एच। तो जो भी जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर था वो कैपिटल हो जाएगा, जिसमें मैं जोड़ दूंगा वर्ड का सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या होता है, वर्ड का कुछ हिस्सा। ठीक है, सब स्ट्रिंग जोड़ दूंगा और जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा स्पेसेस जबरन की, ओए ओए अरे यार शिट मैन, आई एम सो सॉरी। इसमें मैं जोड़ दूंगा वर्ड का सब स्ट्रिंग, कहां से जीरो कैरेक्टर तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो वन से एंड तक। ठीक है, तो अगर मैं एंड नहीं भी बताऊंगा तो स्टिल वो एंड को लास्ट तक ही लेता है। तो यू विल सी स्मॉल एच हर्ष बिकम्स कैपिटल एच हर्ष। ठीक है, तो आओ चलो अपन देखते हैं जरा हो क्या रहा है। तो अपनी जो भी स्ट्रिंग अपन ने दी है उसको स्प्लिट किया ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। तो दैट विल गिव अस द वर्ड्स डॉट फॉर ईच की जगह विल गो डॉट मैप फंक्शन ई इज द ई की जगह वी कैन यूज द वर्ड्स। कई लोग सोचते हैं मन में कि यार एरो फंक्शंस क्यों यूज नहीं करते एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक आई एम लाइक 90 सोल ट्रैप्ड इन 2023। आई अंडरस्टैंड कि एरो फंक्शंस हैं एंड उन्हें कहाँ यूज करना चाहिए कहाँ नहीं, एंड आई एम फाइन विद थिंग्स लाइक आई अंडरस्टैंड अबाउट थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोरेंस में चीज़ों को वैर यूज कर रहा हूँ, लेट नहीं, दैट्स माई वे टू डू थिंग्स, बट इट्स ऑल राइट इफ यू लाइक टू यूज लेट यू कैन डू दैट कूल। सो मतलब हैबिट है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो स्ट्रिंग स्प्लिट विद स्पेस मैप फंक्शन वर्ड, बढ़िया। तो हर बार हमें एक एक वर्ड मिल रहा है, अब हम क्या करने वाले हैं उस वर्ड, हम कह रहे हैं उस वर्ड से कि आप स्प्लिट हो जाइए ऑन द बेसिस ऑफ। क्या हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि हाँ ये भी एक तरीका है, आप स्प्लिट कर सकते हो और फिर पहले लेटर को कैपिटल कर सकते हो, बट ना आई डोंट लाइक दैट वे, लेट्स गो हियर। एंड हम कह रहे हैं कि वर्ड का कैरेक्टर एट जीरो, उसको आप क्या कर दीजिए, अपर केस कर दीजिए, परफेक्ट। क्या उसको हम टू अपर केस ही कहते थे, सी कैपिटल है तो इट्स गो टू केस। ठीक है, एंड उसके बाद आप इसे इसमें जोड़ दीजिए उसी वर्ड का सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का पार्ट, वर्ड का कुछ पार्ट, कौन सा पार्ट, कहां से जोड़ना है। देखो जीरो कैरेक्टर तो कैपिटल हो चुका है, तो हमें एक्चुअली अगले कैरेक्टर से जोड़ना है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर से, कहां तक वो भी आप बता सकते हो, थर्ड कैरेक्टर तक, फोर्थ कैरेक्टर, बट क्योंकि हमें एंड तक ही जोड़ना है, पूरा वर्ड जोड़ना है। सिर्फ देखना हर्ष लिखा था तो जो एच है वो कैपिटल हो गया, बाकी अर्श जो अर्श बचा हुआ पार्ट है वो तो जस का जोड़ना है, लास्ट तक ही जोड़ना, तो अपन एंड नहीं लिखना है, अपन सिर्फ वन लिख दे रहे हैं, मतलब कहां से शुरू करना है जोड़ना, बस वो बता दे रहे हो। आई बिलीव दैट विल वर्क, राइट, परफेक्ट। सो हो गया, बढ़िया, एंड दैट विल ऑल वर्ड्स, बढ़िया। तो अच्छा, तो ऑल वर्ड्स जो अरे है, ऑल वर्ड्स जो अरे है उसके अंदर सारे वर्ड्स हैं, चेक करा सकता हूं मैं आपको, ऑल वर्ड्स, बस ये अरे है याद रखना है ना, अभी अरे है, ये वर्ड नहीं बना है, कैपिटलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया हर्ष, तो दैट विल गिव मी थैंक यू, ठीक है, दैट्स गिविंग मी हर्ष, ओके, सो दैट्स एन अरे, राइट। बाय द वे मुझे इसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली थी, ओ मैंने एक ही वर्ड दिया हर्ष भाई, तो अगर आप देखोगे तो दैट्स एन अरे विच कंटेन्स एवरी वर्ड एंड एवरी फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, नाउ वी जस्ट नीड टू ज्वाइन इट, बिकॉज दैट्स एन अरे, सो वी कैन इजीली से ऑल वर्ड्स डॉट ज्वाइन एंड
join with nothing. That's it. And that will. And we should return it, obviously. And we'll be able to print it. Perfect. Oh, obviously we need to join it with space. So Harsh bhai, kaise ho? And we can try a few more things like maybe if you are Bhopali, probably will understand this. Station chalo. Right. If you don't understand station, that is basically station in Bhopali. Nice. So now we understand this, right? Okay. So next question is the 10th one. Let's solve it. Let's go. Wait, तो एकदम से कपड़े परिवर्तन इसलिए हो गए क्योंकि अगले दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. लेट्स गो. तो अगला क्वेश्चन जो हमें लगाना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू गेट द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ईच लेटर इन स्पेसिफाइड स्ट्रिंग. भैया हमें तो घंटा समझ नहीं आ रहा है. वेट, समझाता हूँ. देखो, तो अपने पास फॉर एग्जाम्पल एक तो स्ट्रिंग है, उसका नाम है एप्पल. तो हमें ये बताना है कि ए कितनी बार आया है. तो ए आया है एक बार, पी कितनी बार आया है दो बार, एल कितनी बार आया है एक बार, और ई कितनी बार आया है एक बार. सो दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू सॉल्व. अच्छा जी, तो भैया ये कहने का मतलब है कि एक स्ट्रिंग है, उसमें कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है ये बताना है. जी हाँ. तो फिर प्लान क्या है? प्लान कुछ ऐसा है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो अभी जल्दी से अपन प्लान समझ लेते हैं किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स गो. सबसे पहले होगा क्या, आपके पास एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट. हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले हम चेक करेंगे इस ऑब्जेक्ट में कहीं भी ए है क्या. नहीं है, नहीं है तो आप ए को बनाएंगे और उसकी वैल्यू सेट कर देंगे 1. फिर हम चेक करेंगे बी है क्या. नहीं है तो आप बी को बनाएंगे और उसकी वैल्यू सेट कर देंगे 1. फिर आप चेक करेंगे बी है क्या, जो कि है, तो आप उसकी वैल्यू 1 से हटा के क्या कर देंगे 2. ठीक है, और फिर आप चेक करेंगे एल है क्या. नहीं है तो आप उसके बनाएंगे और उसकी वैल्यू सेट कर देंगे 1. फिर आप चेक करेंगे ई है क्या. नहीं है तो आप उसको बनाएंगे और उसकी वैल्यू सेट कर देंगे 1. और ये जो ऑब्जेक्ट है ये होल्ड करता है आपके सारे अकरेंसेस को. ठीक है, तो दैट इज द प्लान. अच्छा, तो भैया इसमें क्या क्या यूज होगा. इसमें यूज होंगी दो इंपॉर्टेंट स्किल. पहले का नाम है, और मैं दोनों पहले आपको एक बार मिला दे रहा हूं दोनों से, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें हमें आनी चाहिए. ठीक है, चले लेट्स गो. तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के दो तरीके हैं. पहला ये है कि आप एक ओबीजे बना लीजिए. मैंने जैसे ऑब्जेक्ट बना लिया, और लेट्स से मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी चाहिए, उसका नाम ले लेते हैं हम लोग ए, ए की वैल्यू 1. ठीक है, तो पहला रास्ता ये है कि आप लिख दें ओबीजे डॉट ए, ओबीजे डॉट ए. ठीक है, तो भी आप एक्सेस कर सकते हो. और दूसरा रास्ता क्या है, ओबीजे अरे वाले ब्रैकेट्स लगाओ, अरे वाले ब्रैकेट्स, और उसके अंदर सिंगल कोट में लिख दो ए, आप तो भी इसे एक्सेस कर सकते हो. तो अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर की कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का रास्ता यह है कि ओबीजे, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ए. ठीक है, एक रास्ता हो गया क्योंकि ए उसका नाम है. और दूसरा रास्ता क्या है, ओबीजे और अरे वाले ब्रैकेट्स लगाओ, और उसके अंदर आप उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिए, लेकिन उसे सिंगल या डबल कोट्स में लिखना अनिवार्य है. तो पहली चीज तो ये पढ़नी थी. इसमें से कौन सी वाली, इसमें से वो अरे ब्रैकेट्स वाली. ऐसा क्यों, अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर में समझ जाओगे. एक चीज और पढ़नी है, वो ये है कि आपको ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक नाम से प्रॉपर्टी है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करना है कि इसमें पी नाम से प्रॉपर्टी है या नहीं. तो फिर अभी तो हम देख के क्लियरली बता सकते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोग्रामिंग से कैसे चेक करेंगे, ओबीजे डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी. ये एक मेथड होता हैज ओन प्रॉपर्टी. अगर आप इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे तो ये आपको ट्रू या फॉल्स बता देगा. तो इस वक्त ये कह रहा है कि भैया ओबीजे में पी नाम की प्रॉपर्टी नहीं है. राइट, और चेक करें क्या ए नाम की प्रॉपर्टी है. ट्रू, इसका मतलब ओबीजे में ए नाम की प्रॉपर्टी है. बिल्कुल है, परफेक्ट. तो हम इन दोनों को यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए. अच्छा ठीक है, तो भैया आप एक फंक्शन बनाओ फटाफट, और यहां पर अपन फंक्शन का नाम रख सकते हैं लेट्स से अकरेंस. ठीक है, ओसीसी नाम रख दिया मैंने, और ये रिसीव कर रहा है एक स्ट्रिंग को. तो मैं इसके अंदर अब करने क्या वाला हूं, मैं यहां पर बोलूंगा सबसे पहले तो अकरेंस को चलाओ दो, और यहां पे एप्पल भेज दिया मैंने. ठीक है, तो स्ट्रिंग में मुझे जो एप्पल रिसीव हुआ है, मैं सबसे पहले उसे स्प्लिट करूंगा, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग. दैट विल गिव मी एन अरे विच विल कंटेन एवरी कैरेक्टर. फर्स्टली इट विल हैव ए, देन पी, देन पी, देन एल, देन ई. राइट, सो दिस इज गोना गिव मी एन अरे, एंड देन विल गो फॉर ईच लूप.
we understand what for each loop is, and for each and then element, right? So if we talk, let me maximize the screen, but yeah, so if we talk, LM will get every character each time, right? So what we will do, we will check inside this object, this OCC naam ki jagah iska naam rakh lete hain, occurrences, theek hai, and it's an object. तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे चेक करेंगे कि occurrences वाले ऑब्जेक्ट में LM नाम का एलिमेंट है या नहीं। मैं समझाता हूं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है। देखो सुनो, हमने OCC वाले जो फंक्शन है उसमें क्या भेजा, एप्पल, तो STR में क्या है, एप्पल, एप्पल को स्प्लिट किया विद नथिंग, तो वी गॉट एन अरे विच कंटेन्स ए बी बी एल ई, राइट, और हर बार एक एक कैरेक्टर का में आएगा LM में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हमारे occurrences नाम से जो ऑब्जेक्ट है क्या उसके अंदर हैज ओन प्रॉपर्टी, क्या उसके अंदर LM नाम से कोई प्रॉपर्टी है। LM मतलब LM नाम से नहीं, LM की जो भी वैल्यू है, पहली बार में LM की वैल्यू A है, फिर P है, फिर P है, फिर L है, फिर E। तो हम कर रहे हैं चेक कि occurrences में क्या हमारे पास A नाम की कोई प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट वो नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, इसका आंसर आएगा फॉल्स, नहीं है। और अगर नहीं है तो हम कहेंगे occurrences नाम के ऑब्जेक्ट में ए नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट कर दो और उसकी वैल्यू सेट कर दो 1, ठीक है। और अगर वहां पर वो वैल्यू है तो फिर हम कहेंगे occurrences नाम से जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें LM नाम की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ा दो 1 से। तो हमें लगता है काफी डिफिकल्ट सा है, नहीं है, नहीं है डिफिकल्ट, नहीं। देखो सबसे पहले आपने एप्पल भेजा, एप्पल str में आया, एप्पल डॉट स्प्लिट, तो एप्पल डॉट स्प्लिट हो जाएगा एक अरे जिसमें सारे कैरेक्टर्स लिखे होंगे ए पी बी एल ई, परफेक्ट। और फिर उसके बाद फॉर ईच मतलब हर कैरेक्टर पे आप खुद को लूप करोगे। फिर आया LM पे, तो एक एक कैरेक्टर LM पे आएगा ए पी पी एल ई, परफेक्ट। तो अपने पास LM में कैरेक्टर्स आएंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर occurrences मतलब दैट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, राइट, अगर हमारे ऑब्जेक्ट में LM में ए आया था, राइट, हमारे ऑब्जेक्ट में अगर ए नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, हैज ओन प्रॉपर्टी क्या बताता है कि वो है या नहीं, और नहीं होगी तो फॉल्स देगा। तो हमने वही बोला, अगर फॉल्स है मतलब नहीं है, नहीं है तो आप अपने ऑब्जेक्ट में occurrences वाले ऑब्जेक्ट में ए नाम की प्रॉपर्टी वैल्यू क्या सेट कर दो, ए वो 1। तो अभी तक क्या हुआ होगा मैं आपको एक बार इसका एक डेमो करके बता देता हूं फटाफट, लेट्स सी। तो अभी तक जो हुआ है वो ये हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट बन गया होगा, ये ऑब्जेक्ट occurrences है, ठीक है, यहाँ पे str इज एप्पल, डॉट स्प्लिट करने पे ए पी पी एल ई, राइट, पहली बार में LM में कौन आया होगा, ए। तो हमने क्या चेक किया, ऑब्जेक्ट में हैज ओन प्रॉपर्टी ए, LM की वैल्यू क्या है पहली बार में ए है, राइट, तो हमने चेक किया क्या इसके अंदर कोई ए है, नहीं है, नहीं है, तो हमने क्या किया, occurrences मतलब ये ऑब्जेक्ट में ए क्रिएट करके उसकी वैल्यू क्या कर दी 1, यहाँ पे ये देखो occurrences मतलब ऑब्जेक्ट में ए की वैल्यू क्या कर दी 1, परफेक्ट। अब हमने पी के लिए सेम किया तो पी भी नहीं है, तो हमने उसकी वैल्यू भी 1 कर दी। फिर अगली बार जो हमने चेक किया कि आप फिर से पी है, तो इस बार पी है, इस बार है, तो ये फॉल्स वाला पार्ट ना चल के एल्स चल जाएगा। अब जब एल्स चलेगा तो हमने occurrences मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पी की वैल्यू प्लस प्लस कर दी, तो पी की पिछली वैल्यू 1 थी, अब जो हो गई है 2। दिस इज हाउ इट विल वर्क। अगर ये समझ ना आए, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एक्चुअली रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, एक बार और पढ़ लेना, ठीक है, यू विल गेट इट 100%। अच्छा ठीक है, तो भैया आप मुझे बताओ इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर कहाँ है, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ है, जब मैं रिटर्न करूँगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा occurrences नाम का जो ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट, ऑब्वियसली, तो मैं इसे कवर कर दूंगा विथ कॉन्सोल लॉग, देयर वी गो, A1, P2, L1, E1, perfectly चल रहे हैं। Let's search for Harsh. H2, A1, R1, S1, HARS, and एक और H goes Harsh. Perfect. तो if we talk about it, तो ये question solve हो गया है। अब हम बढ़ेंगे अगले question पे, which is loop an array and add all members of it. Easy one. Let's go. बोले जो कोयल बागों में, बोले जो कोयल
बाबू ने याद मुझे भी पिया की आने लगी। हाँ भीगी भीगी रात, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कोयल कह रही है कोयला, टेक्निकली तो कोयला ही होगा। पेंगुइन जो होता है वो होता है मेल पेंगुइन, तो जो फीमेल पेंगुइन होता है उसको पेंगुइन ही बोलते हैं। चील, चील नहीं, नहीं चील होता है जो वो नहीं मुंह नहीं, चील जो होता है वो होता है मेल चील, चील चील ही होता है। लूप एन अरे एंड ऐड ऑल मेंबर्स ऑफ इट। सो फटाफट जल्दी सॉल्व करते हैं इसे। लूप एन अरे, तो सबसे पहले एक अरे चाहिए, तो अरे बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन ये है कि जितने भी अरे के मेंबर्स हैं सबको ऐड करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को ऐड करना और एक सम बताना है। बहुत ईजी एक्चुअली। तो सम की इक्वेशन क्या होती है? सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग। इफ यू डोंट नो व्हाट द फक आई एम टॉकिंग अबाउट, आ जाएगा, डोंट वरी, स्क्रीन देखो। तो सबसे पहले वी नीड टू गेट टू एपिक पेन एंड मैं थोड़ी सी इक्वेशन समझाने की कोशिश करूंगा, प्रोबेबली यू विल गेट इट। ठीक है, देखो सुनो होता क्या है। सबसे पहले अरे मार कर आजा यार, थैंक्स। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 इन 2 को ऐड करना है, 1 इन 2 को ऐड करना है, आंसर क्या आएगा 3। तो पिछला जो सम है उसमें आप अगला नंबर ऐड कर रहे हो, राइट? सही है, इसका आंसर आएगा 6। जो पिछला सम है उसमें आप अगला नंबर ऐड कर रहे हो, ठीक है? जो अगला सम है, पिछला सम है उसमें आप अगला नंबर ऐड कर रहे हो, राइट? सो दैट इज व्हाट हैपनिंग। तो हम ये कह सकते हैं जो भी पिछला सम है उसमें आप नया नंबर ऐड करो, और जो अब नया सम बनेगा इस नए सम पे अगला नंबर ऐड करना। तो इसकी इक्वेशन होती है, सम पे एलिमेंट ऐड कर दो, जो पिछला सम है उसमें एलिमेंट ऐड कर दो, नया एलिमेंट, और इसका आंसर वापस सेव कर दो किसमें, सम में, ताकि क्या हो, अगली बार ये सम पिछली बार का सम हो, राइट? मैं कैसे बताऊं, देखो 1 + 2 आंसर आया 3, तो हमने 3 काय में सेव कर दिया सम में, ताकि अगली बार 3 + 3 हो जाए। क्यों? क्योंकि जब सम में हमने 3 सेव किया था तो इस सम जो है उसमें अगला एलिमेंट ऐड होगा, तो सम की पिछली वाली तो 3 हो चुकी थी, 3 + अगला एलिमेंट, राइट? सो दैट इज द इक्वेशन। तो अगर हम हिंदी में कहें तो सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग, ये होती है इक्वेशन। सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग, समथिंग कौन है, जो भी ऐड करना है, ठीक है? क्या ऐड करना है, 1, 2, 3, 4 ये ऐड कर। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग। एक्चुअली वेदांत भाई भी यहाँ पे बैठे पास में, तो खांसी वगैरह हो रही। वेदांत भाई एक बार सॉरी बोल देते आप तो अच्छा लगता, सॉरी बोल देते अगर मतलब आप नहीं, सॉरी 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 खांस ले और खांस ले, हाँ मतलब एक पॉजिटिव खांस पे चल, उससे क्या बाद में जब आएगी तो ही खांसी, ठीक है? तो चलें भाई साहब, लेट्स गो। तो अपन ने ARI.FOREACH किया फटाफट। दोस्तों बोले जो कोयल बागों में, याद पिया की दोस्तों आने लगी, ऐसा कोयल कह रही, मैं नहीं कह रहा, ठीक? मैं सोचा बता दूं आप लोगों को, ठीक है? तो ARI इज द अरे डॉट फॉर ईच, ARI इज द अरे डॉट फॉर ईच, वी आर लूपिंग थ्रू एन अरे, ठीक है? एंड वी ऑलवेज हैव एन एलिमेंट इनसाइड एलम, वी नीड टू ऐड इट। सो हम यहाँ पर एक अरे बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम है सम, सम की वैल्यू 0, एंड वी विल ऐड, विल से सम इज इक्वल टू सम प्लस something, now something की जगह something obviously, तो so the question is what something, something क्या है, something है आपका element, क्यों हर बार यही तो आएंगे एलम में, right? For each किया आपने, अरे पे for each मतलब अरे के एक एक member पे हम चलेंगे, हर बार एलम में एक एक member आएगा और हमें उन्हीं तो add करना है, just like that, and at the last we will print the sum, simple as that. That is 28. Easy question. बहुत easy. ठीक है? Let's go to the next one. In an array of numbers and strings, एक array जिसमें numbers और strings हों, ठीक है, बना लेते हैं. तो इसमें कुछ numbers हैं, कुछ strings हैं, ठीक है? Just a minute. यार मैं कल ना जॉन विक की मूवी देख रहा था, तो उसमें मेरे को एक चीज देखने को मिली कि जैसे कैरेक्टर ने एक बंदे को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, जब वो चौथे को मार रहा होता है तो बाकी 3 ऑलरेडी जमीन पे पड़े रहते हैं, मतलब वो उठ सकते हैं पर वो फिर भी पड़े रहते हैं, ऐसा क्यों? मतलब और फिर जो चौथे को मार देगा तब उनमें से एक कैरेक्टर उठकर आएगा,
यार ये हमारी मूवीज में भी होता है, बॉलीवुड की मूवीज में तो हम कंप्लेन करते हैं कि यार वो देखो बहन जो पड़ा हुआ है वो उठ सकता है, तीन को मारा चौथा गिरा हुआ है, हाँ मतलब चौथा गिरा हुआ है, अब जो चौथे को जब वो मारेगा तो वो जो तीन है वो उठ सकते पर वो गिरे हैं, वो उठेंगे नहीं, आराम आराम से उठेंगे थोड़ा। अरे यार वही हमारा टाइगर श्रॉफ गया था, हमारा आज ही 10-12-15-18 को मार रहा है, पूरी सेना निपटा दी उसने। हमारा टाइगर श्रॉफ गया था जब, पिटता भी है बराबर ऐसा है, लेकिन ये नहीं है कि अपन, हाँ हमारा टाइगर श्रॉफ गया था पूरी पूरी कंट्री को वो मारने गया था। हमारा टाइगर श्रॉफ जब मारने गया था पूरी सेना को, सीरिया मारने गया था, कहाँ मारने गया तो हीरोपंती 2 में पूरी सेना मार दी थी, हेलीकॉप्टर उसने ऐसा कर दी थी। गलत है यार, पक्षपात है यार। चलो भाई इधर देखो आप लोग, तो ठीक है तो अपने पास ही करे हैं साहब, अपन को इसमें सारे नंबर्स ऐड करने हैं फटाफट। arr.forEach फंक्शन एलिमेंट, अब हमें ये अच्छा फॉरीच चल रहा तो सारे ना सारे मेंबर्स लाएगा वो, ए भी लाएगा, 1-2-3 भी लाएगा, HGHC भी लाएगा, सारे लाएगा, पर हमें ऐड सिर्फ किनको करना है जो हमारे नंबर्स हो। सवाल कैसे भैया, यहाँ पे एक यूज होता है टाइप ऑफ, टाइप ऑफ क्या होता है, टाइप ऑफ आपको किसी भी चीज का टाइप बता देता है, तो अगर आप एक नंबर लोगे, नंबर कोई भी नंबर, तो इसका टाइप क्या होता है स्ट्रिंग में स्मॉल n नंबर, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, अगर हमारे एलिमेंट का जो हमारा एलिमेंट आ रहा है हर बार फॉरिच में, उसका टाइप अगर क्या है दोस्तों, नंबर है, समझ रहे हैं आप बात को, अगर उसका टाइप नंबर है तब फिर ऐड कर देना, ऐड की इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग, समथिंग कौन है एलम, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऐड कब होगा, ये ऐड कब होगा, जब ये इफ चलेगा, इफ कब चलेगा, जब हमारे एलिमेंट का टाइप नंबर होगा, तो ये सिर्फ उन्हीं ही ऐड करेगा जो नंबर्स होंगे, समझ रहे हो बात को। तो अगर अपन यहाँ पर कंट्रोल लॉक करें और चेक करेंगे सम क्या है, तो सम 123 प्लस 3 गोज 126 प्लस 4 गोज 130, परफेक्ट, हमारा सम एकदम सही आ रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लूप एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो अरे है और एक अरे है उसमें ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है जी, करना क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रिमूव करना है ऑल ऑब्जेक्ट्स विच डोंट हैव जेंडर्स वैल्यू मेल, अच्छा जी ओके। तो हमने यहाँ पर एक तो नेम ले लिया, उसका नाम हो गया भैया हर्ष, तो हमें सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हटाने जिनमें जेंडर मेल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने जेंडर ले लिया और यहाँ पर हो गया भैया मेल, ठीक है, और इस जैसे थोड़े से अपन ने और क्रिएट कर लिया, ये हो गए भैया हर्षिता बन गई, इसका जेंडर फीमेल हो गया, ये हो गए मिस्टर आई डोंट नो व्हाट टू कॉल बिकॉज द जेंडर इज नॉन स्पेसिफाइड, ठीक है, तो इसमें वो मीम भी लग सकता है, शुड आई कॉल यू मिस्टर। वी ब्रिंग इन द स्टूडियो दिस मॉर्निंग वन ऑफ द गे राइट्स एक्टिविस्ट मिस्टर, शुड आई कॉल यू मिस्टर, पेपे जूलियन ओंजिमा, थैंक यू फॉर कमिंग इन, थैंक यू फॉर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग टू यू, व्हाई आर यू गे, हु सेज आई एम गे, यू आर गे, सो नाउ वी हैव हर्षी विद अस एंड हर्षी का जेंडर हो गया फीमेल, एंड यहाँ पर हर्ष जो है उसकी जगह मैं ले लेता हूँ अविन्या, एंड जेंडर इज फीमेल, परफेक्ट, नाइस। सो नाउ वी विल गो अबाउट arr.forEach फंक्शन एलिमेंट, तो पहले मैं इजी वाला बताऊँ तुम लोगों को, इजी वाला देखो, इसका नाम है फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर आपके अरे में, अरे पे लूप करता है, फॉरिच की तरह लूप करता है, और फिल्टर कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन के बेसिस पे कुछ एलिमेंट्स को नए अरे में रखता है और कुछ एलिमेंट्स को नहीं रखता। मैप पढ़ा था अपन ने, मैप एक नया अरे बना देता है मन में क्या एक्चुअली बना देता है और फिर मेंबर्स को उसमें रखता है, राइट। वैसे फिल्टर क्या करता है, एक नया अरे बनाता है, कुछ मेंबर्स को रखता है नए अरे में, कुछ को नहीं रखता है, कैसे वो आप डिफाइन करते हो, कैसे स्क्रीन देखो, रिटर्न करना अनिवार्य है, फिल्टर मैप रिड्यूस तीनों में रिटर्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो फिल्टर में हम रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, एक ऐसी कंडीशन कि हमें क्या पुट कराना है एक डायरी में, क्या पुट कराना है वो यहाँ लिखना है। तो हम लिखेंगे अगर एलिमेंट का जेंडर मेल है तो उसे पुट कर देना, समझ रहे हो, तो सिर्फ मेल जेंडर वाले बंदे पुट होंगे, न्यू अरे
सिर्फ मेल जेंडर वाले बंदे पुट होंगे, राइट? लेट्स सी, यहाँ पर अगर अपन देखें तो सिर्फ एक बंदा आया है हर्ष, क्योंकि सिर्फ एक बंदा ही मेल है, बाकी सारे डिफरेंट जेंडर्स हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये तो हो गया एक तरीका सॉल्व करने का, बट इसके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत ये कि एक नया अरे बना रहा है, और हम चाहते हैं अगर ये कि हमारे पुराने अरे में ही चेंजेस हों तो फिर उसका कोड अलग है, तो ये भी एक रास्ता है। बट अगर आप स्टिल चाहते हो कि आप, तो फिर आप ये कर सकते हो ARR इज इक्वल टू न्यू ARR। क्या वो हमारे अरे को चेंज कर देता है? जी हाँ बिल्कुल। सो दैट इज वन वे टू डू इट। बट स्टिल हमें ये चेक करना है कि भाई हम किस तरीके से एक्चुअल अरे से वैल्यू हटा सकेंगे, ठीक है? तो अभी अपन फटाफट अरे से एक और रास्ता ढूंढते हैं जहां से अपन वैल्यूज को हटा सकते हैं, बहुत इजी एक्चुअली। और मैं एक बात समझाऊं तुम्हें, इसका कोड क्या है? इसका कोड ये है, सबसे इसका रास्ता ये है, देखना। सबसे पहले टोटल नॉन मेल बंदे गिनो, नॉन मेल काउंट लो, ठीक है? फिर एक नॉन मेल बंदे को हटाने का कोड लिखो, हटाने का कोड लिखो, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे फिर उस कोड को टोटल टाइम्स, टोटल नॉन मेल टाइम्स चला दो। मैं समझाऊंगा, ये लॉजिक है। अब कई लोग मन में सोचते हैं भैया यार इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, आप फौरी चलाओ, हर बार अपन को एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर वो नॉन मेल ऑब्जेक्ट है तो आप उसे वो करते जाओ, हटाते जाओ, राइट? मैं जरा समझाता हूं कि ये क्यों वर्क नहीं करेगा। देखो, देखना, सुनना, जरा इंटरेस्टिंग वाला है ये भाई साहब, ये सीरियसली आपके दिमाग को खोल देगा, स्क्रीन देखना, ठीक है? लेट्स गो। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अगर आपने थोड़ा बहुत लूप्स पढ़े, मैंने ऑलरेडी बोला है कि भाई इसमें हल्का बहुत लूप्स लगेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम लोग ना लूप्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लूप्स से, तो आपको लूप्स ऑलरेडी थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है? जरा ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आई की वैल्यू इस वक्त 0 पे है, हमने इसे नहीं हटाया, हमारे आई की वैल्यू अब क्या पहुंच जाएगी? 1। हमने डिसाइड किया हमें ये हटाना है, हमें ये 1 वाला वैल्यू हटाना है, बोलो हाँ। तो जैसे ही मैंने इसे हटाया अब नया 1 कौन बन जाएगा? नया 1 हमारा कौन है? ये। क्यों? अब ये तो हट चुका है, तो ये पीछे खिसक जाएगा, तो नया 1 कौन है? ये 3। और हमारा बाई का लूप कर जाएगा 2 पे, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 पे था, राइट? तो वह एक्चुअली यहां चला जाएगा जबकि उसने 3 को चेक भी नहीं किया। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 1, 2, 3, 4 हम यहां पर थे, हमने इसे हटा दिया। तो अब जैसे 2 हटा तो उसकी जगह कौन आ गया? 3 और 4। क्योंकि हम यहां पर थे, अब कंप्यूटर अगले बंदे पर जाएगा जो कि ये बंदा है, पर ध्यान से देखो उसने 3 को तो चेक ही नहीं किया। क्या तुम समझ रहे हो दिक्कत क्या है? और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ये वाला तरीका फॉलो करें जो मैंने आपको अभी तक बताया है, ठीक है? बंद हो जा, थैंक यू। जो तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले टोटल नॉन मेल काउंट्स लो, नॉन मेल काउंट्स। तो अपन सबसे पहले काउंट इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और मुझे काउंट करना है तो बहुत ईजी है, ARR डॉट फॉर ईच विल हैव अ फंक्शन इनसाइड इट LM, एंड हम क्या कर सकते हैं, हम चेक करेंगे अगर LM डॉट जेंडर बराबर है किसके, मेल के, अगर जेंडर मेल के बराबर है, नहीं हमें चेक करना है अगर जेंडर मेल के बराबर नहीं है, अगर जेंडर मेल के बराबर नहीं है काउंट प्लस प्लस, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टोटल काउंट्स लिए हैं कि कितने बंदे मेल नहीं हैं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें राउंड की जगह काउंट, एंड सो इट विल गिव अस 4। तो 4 ऐसे बंदे हैं जो मेल नहीं है, 1 ये फीमेल है, 2 ये नॉन स्पेसिफाइड है, 1 और फीमेल। तो 4 बंदे हैं जो नॉन मेल है, परफेक्ट। अब हमें ऐसा कोड लिखना है जो 1 नॉन मेल बंदे को हटा देगा, 1। अच्छा, तो सर आप ये कैसे करोगे? बहुत इजी है, फॉर वेयर आई इज इक्वल टू 0। सर आपने यहाँ पे फॉर क्यों लगाया, फॉर ईच क्यों नहीं लगाया? फॉर ईच इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फॉर ईच लूप को ब्रेक नहीं कर सकते। सर ये ब्रेक क्या होता है? जब आपको लूप को रोकना है, हम क्या चाहते थे, जो 1 नॉन मेल है पहले वहां तक पहुंचो और उसको हटा दो, और हटाने के बाद रुक जाओ, आगे के नॉन मेल्स को मत हटाओ, सिर्फ 1 हटाना है। क्या तुम समझ रहे हो? तो जो भी पहला नॉन मेल मिल जाए उसे हटा दो, आगे के नॉन मेल्स मत हटाओ। तो ये चीज परफॉर्म करने के लिए आपको लूप को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे आप पहला नॉन मेल हटाओगे, फिर ब्रेक मतलब लूप को रोकना पड़ेगा आपको,
और फॉरिच को आप ब्रेक नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, चल तो लेट्स गो। तो हमारे पास, हमें ये चीज परफॉर्म करनी है। ओके परफेक्ट, तो हमें सारे बंदे हटाने हैं, सारे बंदे हटाने हैं, बट कैसे? पहले एक बंदा हटाओ। तो उसके लिए हम कोड लिख रहे हैं, I less than आपके अरे की लेंथ, अरे के लास्ट तक चलेगा। अरे में कितने एलिमेंट्स हैं भाई साहब? अरे में आई बिलीव 5 एलिमेंट है, तो टोटल बार चलेगा। बोलो हाँ, अरे के 5 एलिमेंट्स के बराबर चलेगा ये लूप। और आई प्लस प्लस, परफेक्ट। तो अगर अपन समझे, सबसे पहले हम जीरो एलिमेंट पे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा अरे का जीरो एलिमेंट का जेंडर बराबर नहीं है इसके मेल के। अगर नहीं है तो हम इसे हटा लें, ठीक है? अगर नहीं है तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है अरे में से स्प्लाइस। स्प्लाइस मतलब हटा दो। अगर आपको स्प्लाइस नहीं आता, यहां देखो मैं स्प्लाइस समझा रहा हूं, सो वेयर arr, ये आपका अरे है मान लेते हैं, और मुझे इसमें से ट्री को हटाना है, तो मैं लिखूंगा arr डॉट स्प्लाइस, ठीक है? और मैं यहां पे सिर्फ, मुझे एक चीज, दो चीज बतानी है। पहला, कौन से इंडेक्स से वैल्यू हटानी है, तो मुझे 3 से 3 हटाना है, 0 1 2, सेकंड इंडेक्स से वैल्यू हटानी है। कितनी वैल्यू हटानी है? एक वैल्यू हटानी है। तो पहली बात होती है कहां से हटानी है, और दूसरा होता है कितनी हटानी है वहां से। तो अगर अब मैं आपको ARR को चेक कराऊं, तो ध्यान से देखिए 3 हट चुका है, राइट? तो ये आपका रास्ता होता है आपको किसी भी अरे से कुछ भी हटाने के लिए। तो ARR अरे में से स्प्लाइस मतलब हटा दो। क्या हटा दो? अब अरे में से स्प्लाइस कर सकते हो या हटा सकते हो इस बंदे को, आईथ बंदे को हटा दो, वहां से कितने एलिमेंट हटाओ? एक। तो अगर अपन समझे, तो ये जो कोड हमने लिखा है, ये जो कोड मैं आई की जगह जे कर देता हूं, तो थोड़ा सा बाद में जाके इजी हो जाएगा। नाइस। तो अगर अपन समझे, तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये एक नॉन मेल को हटा रहा है, एक नॉन मेल को। और अब मैं से कितनी बार चला दूंगा, जितने टोटल नॉन मेल थे। अगर सोचना, अगर मेरा ये कोड एक नॉन मेल को हटा रहा और मैं से 4 बार चला दूं, तो वो कितने नॉन मेल को हटाएगा? 4 को, ठीक है? सो हम इसे 4 बार चलाएंगे फटाफट। फॉर इंट इज इक्वल टू 1, आई लेस देन, लेट्स से दैट इज काउंट, आई प्लस प्लस, परफेक्ट। एंड हमने ये, अच्छा सुनो, ये कोड एक नॉन मेल को हटा रहा है, और यहां पर इंट की जगह, सॉरी वायर, यहां पर जो हमने लिखा हुआ है विच इज फॉर लूप, और ये कितनी बार चल रहा है? काउंट टाइम्स। काउंट टाइम्स चलाने के लिए आपसे इक्वल तक चलाना पड़ेगा, ठीक है? तो इक्वल तक चलाएंगे इसे, काउंट टाइम्स, काउंट टाइम्स चलाएंगे, और काउंट टाइम्स क्या चला रहे हैं? एक बंदे को हटाने का कोड। तो आई बिलीव अब हमने इसको सॉल्व कर दिया है, और फटाफट चेक करेंगे इसे, लेट्स गो। यहां पर ध्यान से देखो, अरे में सिर्फ एक ही मेंबर बचा हुआ है, सही है? तो ये है आपका एक और रास्ता। ऐसा लगता है कि हमने काफी ज्यादा इसमें कोड लिख दिया, काफी डिफिकल्ट है ये। नहीं, एक्चुअली नहीं है। देखो, यहां पे आपने टोटल काउंट लिए, कितने नॉन मेल हैं, कितने नॉन मेल हैं, जितने भी आपके आए। इस वाले पार्ट में आपने एक नॉन मेल को हटाया है, और उसे कितनी बार चला दिया? काउंट टाइम्स। काउंट मतलब जितने भी टोटल नॉन मेल थे, दैट्स अबाउट इट। एक बार हटाने का कोड अगर 4 बार चलाओगे, तो 4 बार वो बंदे को हटा देगा, 4 बंदों को हटा देगा, परफेक्ट। सो दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड इट, ठीक है? चलो जी, दैट्स इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू क्लोन एन अरे, दैट्स एन इजी वन। तो एक फंक्शन लिया एबीसीडी, एबीसीडी की जगह मैं उसका नाम रख देता हूँ क्लोन arr, ठीक है? परफेक्ट। और यहाँ पर मैंने एक क्लोन arr को कॉल किया है, और यहाँ पे एक अरे भेजा है 1 2 3 एंड 4, और लेट्स सी यहाँ पे मैंने arr रिसीव किया। तो बताइए इसका आंसर कितना ईजी है? एक्सट्रीमली ईजी। आप रिटर्न करिए एक अरे डॉट 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 arr, दैट्स इट, हो गया सॉल्व्ड। अगर आपको नहीं पता, तो डॉट 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 बेसिकली कहलाता है स्प्रेड ऑपरेटर, और ये क्या करता है, ये अरे के सारे मेंबर्स को वहां पर रख देता है। तो सुनो, मैंने एक अरे भेजा था, राइट, 1 2 3 4, अरे में रिसीव हुआ होगा 1 2 3 4, यहां पर क्या हुआ, डॉट 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 मतलब रख दो। क्या रख दो? arr के मेंबर्स। arr के मेंबर्स क्या थे? 1 2 3 एंड 4, तो यहां पे रख दिए जाएंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है? परफेक्ट। सो दैट्स अबाउट इट, और रिटर्न हो जाएगा वो अरे, तो वी कैन यूज इट, न्यू वेयर न्यू arr, परफेक्ट। सो अगर हम चेक करें, तो दिस शुड गिव अस द क्लोन अरे, परफेक्ट। सो दैट इज इट। तो क्या हमारे पास और भी रास्ते हैं? हाँ जी, एक रास्ता और है, न्यू अरे, मैं arr डॉट फॉर ईच करूंगा,
पॉरिज फंक्शन ईएसएलएम एंड हम यहाँ पर न्यू अरे में पुश कर रहे हैं हमारे एलिमेंट को, ठीक है, दैट्स इट। तो जो भी आपका अरे आया था, अरे पे अपन ने फॉरिज किया, एक एक मेंबर आएगा ई में, अपन न्यू अरे में पुश कर दे रहे हैं हर बार वो एलिमेंट, राइट। तो न्यू अरे में लगातार एलिमेंट्स डलते रहेंगे। और अगर मैं यहाँ पे क्लोन अरे चलाऊँ, लेट्स से मेरे पास एक अरे है ए बी सी डी विच कंटेन्स 1, 2, 3, तो अगर मैं वो ए बी सी डी अरे यहाँ से भेज दूँ तो ए आर आर में वो ए बी सी डी अरे आएगा और सारे मेंबर्स न्यू अरे में पुश हो जाएंगे और मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ न्यू अरे और क्लोन अरे मुझे एक न्यू अरे देगा, परफेक्ट। तो अगर मैं चेक करूँ तो न्यू अरे में 1, 2, 3 आ रहा है। अगर मैं न्यू अरे से एक वैल्यू हटा दूँ, न्यू अरे में से मैंने एक वैल्यू हटा दी, पॉप कर दिया, तो आई एम डैम श्योर कि न्यू अरे से एक वैल्यू हट गई होगी, जबकि आपके ए बी सी डी मतलब जो आपका मेन अरे है उससे वैल्यू नहीं हटी होगी। ए बी सी डी में अभी भी 1, 2, 3 है और जबकि न्यू अरे में सिर्फ 1 और 2 है। तो हमने क्लोन कर दिया, क्लोन मतलब कॉपी कर दिया, परफेक्ट, राइट। सो क्या हमारे पास एक और रास्ता है? जी हाँ, एक और रास्ता है। वो क्या है? मैप का इस्तेमाल करना। क्लोन अरे, मैंने एक अरे भेज दिया 1, 2, 3 और 4। अगर आपको पता हो तो मैप क्या करता है, मैप एक नया अरे क्रिएट करता है और रिटर्न वैल्यूज को नए अरे में रख देता है, राइट। तो हम बिल्कुल उसी का यूज करेंगे, डॉट मैप arr डॉट मैप फंक्शन e, दैट्स इट। और हम यहाँ पे बस रिटर्न कर रहे हैं e को, सिंपल एज दैट, हो गया, फिनिश्ड। और यहाँ पर आपको एक नया अरे मिलेगा where name अरे, परफेक्ट। आप चाहें तो इसको न्यू अरे में सेव करके बाद में रिटर्न कर सकते हैं कुछ ऐसे, या फिर आप चाहें तो उसे स्ट्रेट अवे रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है arr डॉट मैप हमें एक नया अरे बना के देगा, तो मैं इसके आगे लगा दूंगा रिटर्न, तो वो सीधा सीधा आपको रिटर्न कर देगा अरे, एंड आप उसे यहाँ पर सेव करा सकते हो, ठीक है जी, दैट्स इट। तो इफ वी चेक तो वी हैव अ न्यू अरे, परफेक्ट परफेक्ट। सो दैट वॉज द क्लोन्ड अरे वाला क्वेश्चन, राइट। अरे यार एक चीज तो भूल ही गया था, क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया है, ठीक है, तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बाकी जो आगे के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके लिए ये बोल रहे हैं राइट जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है, अपन एक फंक्शन बना देंगे और फिर उसके बाद बोला जा रहा है विच एक्सेप्ट्स एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स द टाइप, ओके। तो ठीक है, अपन इसका नाम रख देते हैं टाइप टेलर, ठीक है, टाइप टेलर नाम रख देते हैं। यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट रिसीव होगा तो मैंने आर्गुमेंट बोल दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कॉन्सोल डॉट लॉग, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, ठीक है, अब तो हम इससे काफ़ी आगे निकल गए। टाइप टेलर, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पास करोगे ये उसका टाइप बता देगा, ठीक है जी। सो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ console.log एंड मैं लिख दूँ type of arg, सो दैट्स गोना टेल अस द टाइप, सो इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। सो मैं और भी यहाँ पे टाइप्स प्रिंट करवा सकता हूँ, just a second, there is, oh actually arg, I believe there's something called arg, can we rename it to something else like lm, I believe lm, yeah, ठीक है। so मैंने यहाँ पे एक array pass किया, यहाँ पे 12 pass कर दिया, ठीक है, कहीं पर मैं let's say, या फिर एक काम करते हैं console log की जगह मैं यहाँ पे return नहीं करवा रहा, तो दो बार console log करवाने की जगह मैं ऐसे return करवा सकता हूँ, return and there we go, ठीक है। तो पहला वाला ऑब्जेक्ट है, अरे को हम ऑब्जेक्ट से कहते हैं, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला गया है कि भाई आपको 6 पॉसिबल वैल्यूज में ही बताना है, ऑब्जेक्ट बूलियन फंक्शन नंबर स्ट्रिंग एंड अनडिफाइंड। तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो अरे को हम एज एन ऑब्जेक्ट ही ले रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, नंबर हो गया, अब स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, और चेक करते हैं बूलियन, चेक करते हैं ट्रू, बूलियन हो गया, ठीक है, एंड अनडिफाइंड चेक करते हैं, सो अनडिफाइंड इज अनडिफाइंड, परफेक्ट। तो अगर हम समझे तो हमने ये जो टाइप्स हैं ये सारे टारगेट कर लिया, आई बिलीव ऑब्जेक्ट हो गया, बूलियन हो गया, फंक्शन रह गया, फंक्शन रह गया, तो लेट्स ट्राई फंक्शन, सो फंक्शन एंड हियर वी गो, सो दैट इज फंक्शन, राइट। तो 6 के 6 टाइप्स जो हैं वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, परफेक्ट। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो अभी फटाफट आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट, जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू क्लोन, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी वापस इस पे आते हैं, write a JavaScript function to get the first element of an array, okay, ठीक है, first बोल रहा है, last बोल रहा है, get the first element of an array, okay, passing a parameter n will return the first n elements of the array, okay, cool, right, ठीक है, perfect।
तो हम यहाँ पे कहेंगे रिट्रीव नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमारी मर्जी। इट विल रिसीव एन आरई, ओके। एंड यहाँ पे हमने बोला हुआ है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन आरई, ओके, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन आरई, ओके, रिटर्न करवाना है तो ऐसा कह सकते हैं। क्या हमें रिटर्न करवाना होगा? आई बिलीव क्या हम रिटर्न कराएं या हम लोग उसे प्रिंट कराएं, अभी देखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं। बट रिट्रीव को कॉल तो कर ही लेता हूँ एटलीस्ट। 1, 2, 3, 4, 5। इसका कहना है कि अगर मैं यहाँ पर कोई पैरामीटर ना दूँ तो पहला बंदा प्रिंट हो जाए, 1 प्रिंट हो जाए। बट अगर मैं एक और पैरामीटर दे दूँ, 12 दे दूँ या 5 दे दूँ या 3 दे दूँ, तो शुरुआत के उतने मेंबर्स प्रिंट हो। जैसे मैंने 3 दिया तो शुरुआत के 3 मेंबर्स प्रिंट हो। अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूँ तो शुरुआत के 2 मेंबर्स प्रिंट हो। दैट्स व्हाट द प्लान इज, ओके। तो यहाँ पर रोल में आएंगे हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अगर आप नहीं समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा, सुनो। रिट्रीव फंक्शन को मैंने जब कॉल किया तो मैंने कुछ भी वैल्यू पास नहीं की, तो ARR जो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है इसमें कोई भी वैल्यू गई नहीं, पर बाय डिफॉल्ट क्या गया, अनडिफाइंड, ठीक है। तो जब भी आप किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हो बट कोई वैल्यू नहीं भेजते तो उसमें वैल्यू क्या आ जाती है, अनडिफाइंड। लेकिन आप यहाँ पर अरे की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, अगर आप अरे की वैल्यू पास नहीं करोगे तो भी अरे के पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ये ब्लैंक अरे, राइट। तो आप किसी भी पैरामीटर की वैल्यू सेट कर सकते हो। तो आपने अरे यहां पर लिया है तो अरे तो हमें रिसीव हो गई होगा, ठीक है। और हमने साथ ही साथ यहां पर एक नंबर भी भेज सकते हैं, सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो हम यहां पर इसीलिए डिफॉल्ट पैरामीटर क्रिएट कर रहे हैं n, जिसकी वैल्यू 1 है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर मैंने कोई वैल्यू भेजी तो वो उसे रिप्लेस कर देगी, तो n की वैल्यू 1 ना रह के 5 हो जाएगी। बट अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं भेजी तो उस केस में n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी डिफॉल्ट, ठीक है। और जरा चेक कर लें। ऑलराइट, तो अगर अपन समझे हिंदी में, यहाँ पर रिट्रीव फंक्शन में अरे भी आ रहा है और अगर n में वैल्यू आई तो वेल एंड गुड, और नहीं आई तो फिर बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो वैसे भी 1 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कोई l की वैल्यू नहीं थी तो बाय डिफॉल्ट n की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ 3 तो हमारी n की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो भैया आप कहना क्या चाह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। वेट, पहले अपन मान लेते हैं कि अपन ने कोई n की वैल्यू नहीं दी, तो n की वैल्यू क्या है, 1। तो मैं कितने मेंबर्स प्रिंट करने हैं इसके, अरे के 1 मेंबर प्रिंट करना है, ठीक है, लेट्स गो। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर का लूप चलाया जो कि चलता है 0 से, जो कि चलता है कितनी बार, जितने भी मेंबर्स प्रिंट करने हैं, n बार, ठीक है, लेस देन n, परफेक्ट, बढ़िया, i प्लस प्लस। तो ये एक बार चलेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है, तो ये एक बार चलेगा अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो। कुल मिला के n बार चलेगा, जितनी भी n की वैल्यू होगी। अच्छा, तो हमें करना क्या प्रिंट है, हमें ये मेंबर्स प्रिंट करने, ओके भैया, ओके। तो अपन ने console.log बोल दिया, console.log बोल दिया, ठीक है जी, ओके, नाइस। आगे क्या प्रिंट करना है, अपन को प्रिंट क्या करना है, इसके मेंबर्स प्रिंट करने हैं। अच्छा, तो अगर आपने एक भी मेंबर नहीं दिए तो, अगर एक भी आपने, जैसे एक भी यहाँ पर नंबर नहीं दिया तो फिर एक मेंबर प्रिंट होना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पर बोल दिया है अरे का कौन सा बंदा, ith बंदा प्रिंट करो, ith बंदा कौन प्रिंट हो गया भाई साहब, 1 प्रिंट हो गया। लेकिन सुनो, अगर मैं यहाँ पर 2 बोल दूंगा तो 2 बार 1 प्रिंट हो रहा है, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू क्या बोली, n की 2, तो n की वैल्यू क्या सेट हो गई, 2। तो यहाँ पर 0 प्रिंट हुआ, ये 0 के लिए चलेगा और फिर ये 1 के लिए चलेगा, परफेक्ट। तो 0 पे यहाँ पे 1 है और 1 पे यहाँ पे 2 है, राइट, इट्स वर्किंग जस्ट फाइन द वे वी वॉन्ट इट टू बी। लेकिन एक दिक्कत है, अगर मैं यहाँ पे 12 बोल दूंगा तब देखो ये सारे नंबर्स प्रिंट करके फिर 7 बार अनडिफाइंड के लिए चल रहा है, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा हमें। तो हमें यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि अगर n की वैल्यू छोटी है या बराबर है हमारे अरे के लेंथ से, हमारे अरे के लेंथ से, बराबर के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, छोटी है, ठीक है, तो सिर्फ उस केस में ही आप इसे रन करवाएं, राइट। आई बिलीव आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दिस विल नॉट रन, और यहाँ पे एल्स में आप बोल सकते हो कि भाई साहब एक चीज समझ लो, आपने ज्यादा डिमांड रखी है, या फिर आप बोल सकते हो इतने तो एलिमेंट्स ही नहीं है, कितने, तो आप इतने की जगह रख सकते हो। यहाँ पे मैं बैकटिक यूज कर रहा हूं, अगर आपको बैकटिक नहीं आता तो आप ये लिख सकते हो n प्लस 12 तो एलिमेंट्स ही नहीं है,
आपने 12 एलिमेंट्स मांगे हैं तो 12 तो एलिमेंट्स ही नहीं है राइट। अगर आप यहाँ पर बोलते 5 एलिमेंट्स तब फिर ये कह रहा है 5 तो एलिमेंट्स ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है भाई 5 तो एलिमेंट्स हैं? ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अरे की लेंथ जो है वो 5 है, 1 2 3 4 5, लेकिन अरे का आखिरी बंदा क्या है? अरे का आखिरी बंदा 4th इंडेक्स पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल। अब क्या होगा तो ये 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा, तो इक्वल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हो क्या रहा है। देखो मित्र, आप जो अरे पास कर रहे हो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 5। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स मांग सकता हूँ आपसे? 5। लेकिन अगर मैं कहूँ 8 एलिमेंट्स दो, अरे आपने भेजे ही 5 है, तो 8 कहाँ से आ जाएंगे? तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा कि भैया अगर मांगे हुए एलिमेंट्स कितने हैं? 5। मांगे हुए एलिमेंट्स छोटे, उसका साइज छोटा हो या फिर अरे की टोटल साइज के बराबर हो। हम अरे के साइज से कम भी एलिमेंट्स पास कर देंगे, मतलब प्रिंट कर देंगे, और अरे के साइज के बराबर भी प्रिंट कर सकते हैं, पर अरे के साइज से ज्यादा नहीं प्रिंट कर सकते, राइट। तो हमने ये बोला है कि अगर वो भैया उसका साइज छोटा हो या अरे की लेंथ के बराबर हो तो ही हम प्रिंटिंग का प्रोसेस करेंगे, नहीं तो हम भैया क्लियर कट बोल देंगे साहब इतने तो एलिमेंट्स ही नहीं है अपने पास जितने आप मांग दे रहे हो, ठीक है जी। तो दैट वॉज द आंसर। अच्छा ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो दैट वॉज द आंसर, मैं इसको हटाऊंगा, अभी हम आगे बढ़ेंगे फटाफट अगले क्वेश्चन पे। दैट इज आई थिंक ये मैंने दो लिख दिया है, नहीं ये अलग क्वेश्चन है। राइट इज आस्क्ड फंक्शन टू गेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे पासिंग अ पैरामीटर। ओके काफी सिमिलर है, तो रिट्रीव ही बोल देते हैं, लास्ट एलिमेंट प्रिंट, लास्ट वाले प्रिंट करने। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2 तो एक्चुअली 5 और 4 प्रिंट होने चाहिए, अगर बोलूँ 1 तो 5 प्रिंट होना चाहिए, लास्ट से प्रिंट होना चाहिए, राइट लास्ट से। तो अरे का आईएथ पोजीशन ना लेकर मैं अरे डॉट लेंथ, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, अरे डॉट लेंथ, अरे डॉट लेंथ क्या आती है? अरे की टोटल लेंथ कितनी है? वो 5 है, लेकिन आखिरी बंदा कौन से इंडेक्स पे है? 4th। तो हम अरे का 5th इंडेक्स तो हैंडल ही नहीं कर सकते, तो हमें बाई डिफॉल्ट -1 लिखना पड़ेगा और फिर उसके आगे लगाना पड़ेगा -i। मैं समझाता हूँ, वेट, ऐसा लग रहा होगा कि यार भैया समझ नहीं आ रहा, वेट सुनो, आपने वैल्यू क्या बोली n की? 2 बोली, राइट। n की वैल्यू क्या सेट हो गई? 2 सेट हो गई। क्या 2 आपके अरे के लेंथ से छोटा है? बिल्कुल है, ठीक है। i की वैल्यू क्या है? 0 है। ओके तो सुनना मेरी बात, मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे आखिरी बंदा प्रिंट करना है। आखिरी बंदा कौन से इंडेक्स पे? अरे डॉट लेंथ -1 के इंडेक्स पे, सही है। आई की वैल्यू क्या चल रही है इस वक्त? 0 चल रही है। तो अगर मैं अरे डॉट लेंथ -1 मतलब आखिरी इंडेक्स से 0 माइनस कर भी दूं तो भी आंसर वही सेम आएगा, राइट। तो इसके वजह से आखिरी बंदा प्रिंट हो जाएगा, पर अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अरे डॉट लेंथ मतलब आपके अरे की पूरी लेंथ, -1 मतलब आखिरी इंडेक्स में से अगर मैंने 1 माइनस किया तो मैं लास्ट से सेकंड इंडेक्स पहुंच जाऊंगा। मैं इसके लिए आपको एपिक पेन पे एक बार ऐसे नहीं वेट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी, आएगा समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। कम ऑन एपिक पेन, चालू हो जाओ यार प्लीज, वेट कर रहे हैं लोग। एपिक पेन मना कर रहा है शायद, कह रहा है आज नहीं कल आना प्लीज। थैंक यू एपिक पेन, थैंक यू वेरी मच। ओके चलो, तो जरा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। 1 भाई ज्यादा हो गया थोड़ा सा, सॉरी। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर अपन हिंदी में समझे, इसको हटा दो, तो हमें क्या करना है? हम ये कह रहे हैं अरे की लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5, लेकिन लेंथ तो 5 है, लेकिन आखिरी बंदे का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4, क्योंकि इंडेक्स 0 से गिना जाता है, 0 से। तो ये 1 को हम गिनेंगे 0th इंडेक्स, 1st इंडेक्स, 2nd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स। तो आखिरी बंदे का इंडेक्स क्या है? टोटल लेंथ -1। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आखिरी बंदे का इंडेक्स क्या है? टोटल लेंथ -1। तो मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स क्या है? 4। इसका इंडेक्स 4 है 5 का, आप समझ रहे हैं बात को? तो हम क्या कह रहे हैं, आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है? 0। कितनी बार लूप चलेगा? जितनी बार एन लिखा है उतनी बार। तो हमने अगर हमने यहां पर बोला होगा कि हमें भाई 2 नंबर प्रिंट करने, तो एन की वैल्यू 2 होगी, तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। दो बार ये प्रिंट किसको कर रहा है? लास्ट बंदे को, और फिर अगली बार आई की वैल्यू 1 हो चुकी होगी तो लास्ट सेकंड बंदे को, तो लास्ट को प्रिंट कर रहा है और लास्ट सेकंड को प्रिंट कर रहा है, सिंपल एज दैट, राइट। एक बार आप इस प्रोग्राम को रीड करो, आई एम प्रीटी श्योर समझ आएगा। इनके समझ ना आए, यू नो व्हाट टू डू, कमेंट, ठीक है, यू नो व्हाट टू डू, राइट। सो
दैट्स अबाउट इट. नाउ वी कैन सी द आंसर कमिंग. अगर मैं 12 बोल दूंगा इट विल से 12 तो एलिमेंट्स ही नहीं है भाई साहब. इफ आई विल से 4 तो ये उल्टे ऑर्डर में प्रिंट करेगा 5 4 3 2. देखो ध्यान से, चार एलिमेंट्स प्रिंट हो गए. परफेक्ट. सो दैट वॉज द क्वेश्चन. अब आते हैं आंसर अगले पे. राइट एज ऑस्कर प्रोग्राम टू फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम ऑफ एन अरे. दैट्स गोना दिस इज टफ वन. Ask a program to find the most frequent item of an array. Okay, take it. Most frequent item of an array. Okay, right. Where, let's say, there's an array. Oh, by the way, we need to create function. And frequent, and we'll receive an array. Right. So, frequent, ta-da. Come on. I believe zyada tough padega nahi. Let's see. Now, isme batane kaun sa banda sabse zyada bar aaya hai. कौन सा बंदा सबसे ज्यादा बार आया है ये बताना है. राइट. तो इसमें अप्रोचेस क्या हो सकते हैं? बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं यार इसमें. तो मतलब मोस्ट टाइम्स आने वाला बंदा, हम एक अप्रोच ये ले सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ठीक है, कौन सा बंदा कितनी बार आया है इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और फिर वहां पे जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो वाला बंदा प्रिंट कर देंगे. दैट्स व्हाट वी कैन डू. ठीक है, पहला अप्रोच तो ये है. दूसरा व्हाट वी कैन डू इज कि हम यहाँ पे एक अरे बना सकती हैं, और कौन सा बंदा कितनी बार आया है उसका एक काउंट रख सकते हैं. बट आई बिलीव ऑब्जेक्ट वाला वुड बी बेटर वे टू डू इट. कौन सा नंबर मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है, कौन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ नंबर है. राइट, तो लेट्स डू दिस वन. सो वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड वॉट वी आर डूइंग नाउ इज हम लोग पूरे अरे पे लूप करेंगे arr.for each. परफेक्ट फंक्शन एंड lm बढ़िया चल रहे हैं अभी तक. एंड एवरी टाइम वी गेट एन lm दैट्स अ नंबर. राइट, तो हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट में, अगर फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट में हैज ओन प्रॉपर्टी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट में lm नाम की प्रॉपर्टी है, अगर है तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की lm नाम की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दो, नहीं तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट में lm नाम की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 कर दो. ठीक है, तो अगर अपन प्रिंट करें इसे तो अभी तक आई बिलीव सबके काउंट्स हमारे पास आ जाएंगे. आई बिलीव सो. यस बिल्कुल सही है. 1 दो बार आया, 2 तीन बार आया, 3 तीन बार आया, 12 दो बार आया, और 2 1 2 1 एक बार आया. तो हमारे पास यहाँ पे सारे बंदों के काउंट आ गए कि उन कितनी बार आया है. अब सो नाउ वी हैव फ्रीक्वेंसी विच कंटेन, फ्रीक्वेंसी इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स ऑल ऑफ दी यू नो नंबर्स एंड कितनी बार वो नंबर्स आए हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जरा उसको कन्वर्ट करते हैं फटाफट. ऑब्जेक्ट डॉट कीज, एंड अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दूँ सो दैट विल गिव मी ऑल ऑफ द कीज जो उस ऑब्जेक्ट में है. These are the numbers जो numbers उसमें आए हैं. राइट, तो ये कीज है. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे रिड्यूस का यूज करूंगा जस्ट टू गेट द बिगेस्ट वन. ऑब्जेक्ट डॉट कीज एंड मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख दूंगा. सो इट्स गोना गिव मी एन अरे. राइट, गोना गिव मी एन अरे डॉट फॉर इच फंक्शन एंड वील गेट द एलिमेंट इनसाइड दैट. सो डू यू नीड फॉर इच? आई थिंक वी शुड यूज रिड्यूस function and we'll get accumulator and the number as well. So plan kuch aisa hai mere pyare dost, we'll return on the basis of what, we'll return on the basis of what. So we'll return on the basis of frequency object ke andar agar mera इंडेक्स बड़ा निकल जाता है फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट के. इसको आप फर्स्ट सेकंड समझ सकते हो, फर्स्ट सेकंड. ठीक है, पहला बंदा दूसरा बंदा. ठीक है, अगर बड़ा निकल जाता है पहला बंदा दूसरे बंदे से, तो जो भी बड़ा निकल रहा है मैं उसे रिटर्न कर रहा हूँ, और अगर नहीं निकलता है तो मैं दूसरे वाले पर रिटर्न कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्या ये हमें रिजल्ट देगा? आई बिलीव सो देगा. अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ आंसर, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ आंसर, सो इट विल गिव मी 3. परफेक्ट, सो आंसर हमारा आ चुका है 3.
तो यहाँ पे हो क्या रहा है मैं समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट कीज हमें देते हैं एक अरे जिसके अंदर सारे आपके ऑब्जेक्ट की कीज हैं, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट में मैं समझा देता हूँ, सी फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे जितने भी आपको कीज दिख रहे हैं 1, 2, 3, 12 and 2, 1 to 1, तो इसका कीज बना के दे देगा आपको। बेसिकली इट विल गिव यू एन अरे, राइट, इट विल गिव यू एन अरे ऑफ कीज। एंड देन रिड्यूस क्या कर रहा है, हर बार हमें पहला बंदा और दूसरा बंदा मिल रहा है, तो हम बस ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा रिड्यूस रिटर्न करता है और एक्यूमुलेट करते रहता है, रिड्यूस आपको आना चाहिए ऑब्वियसली। अगर नहीं आता तो पहले आपको रिड्यूस सीखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। मैं आपको बस इतना बोल सकता हूँ, इस इन क्वेश्चन सीरीज में यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट फ्यू थिंग्स जो जावास्क्रिप्ट बेसिक्स हैं, राइट, यू शुड नो। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिड्यूस क्या करता है। यहाँ पे पहली चीज एक्यूमुलेटर होता है, दूसरी चीज आने वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपका आंसर टोटल इसमें जुड़ता रहता है ACC में। अभी हम क्या कर रहे हैं, ACC हर बार कॉमन रहता है, ऐसा सॉर्ट ऑफ कह सकते हो। ACC अपनी वैल्यू को पजेस करके रखता है, ठीक है, नंबर हर बार नई नई वैल्यू को लेकर आता है। तो पहली बार 0, 1, तो ऐसा समझ सकते हो पहला बंदा दूसरा बंदा। तो अगर पहला बंदा हमारा बड़ा निकल जाता है दूसरे बंदे से, तब फिर पहले बंदे को ही रिटर्न कर दो, तो ACC की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, ACC। बट अगर पहला बंदा बड़ा नहीं निकलता है तो किसको रिटर्न कर दो, नम को, तो ACC की नई वैल्यू क्या बन जाएगी, नम। बट ACC वहां पर पजेस करके रखेगा। और अब यहाँ पे नम तो नहीं बोलते, हम नम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम बोल देंगे नेक्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ACC क्या होल्ड करके रख रहा है, नेक्स्ट को, तो अगले बंदे को होल्ड करके रख रहा है। तो ऐसा ACC के पास हमेशा वो बंदा रहेगा, क्योंकि बड़े वाले केस में हम निकाल रहे हैं जो भी बड़ा होगा। अगर बड़ा ये है तो, अगर बड़ा ये निकल जाता है तो हमने ACC भी सेव कर दिया, और अगर बड़ा ये नहीं निकला तो हमने नेक्स्ट सेव कर दिया, किसमें, ACC में। तो लास्ट में जो भी ACC की वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, तो वो सेव कायम हो जाएगा ANS में। और मैंने प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इनकेस ये ना समझ आया हो प्लीज प्लीज कॉमेंट करना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा उतना एक्सप्लेन करूंगा, राइट, परफेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो दिस लीड्स अस टू दिस क्वेश्चन, राइट, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू शफल इन अरे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ये है, मैंने ये लिख दिया, अगर मुझे इसे शफल करना है, शफल मतलब इसकी वैल्यूज तो सारी यहीं रहे लेकिन बस वो शफल हो जाए। शफल मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसा समझो कि वैल्यूज रैंडमाइज हो जाए, सॉर्ट ऑफ, समझ रहे हो क्या, वैल्यूज इधर उधर रैंडमाइज हो जाए। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। तो हमने फंक्शन का नाम रख दिया शफल करो, ठीक है, दैट्स फंक्शन, वी विल रिसीव द अरे, परफेक्ट, वी डूइंग गुड, एंड नाउ गो देयर, शफल करो। एंड और यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, पासिंग एन अरे, ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। हमें इसे शफल करना है, प्लान क्या है, प्लान सुनो, हमारा प्लान, मैं सारा लिख भी दूंगा अभी प्लान, हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले हम इतने पार्ट को शफल कर रहे हैं, तो हमारी लेंथ कितनी है, 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 7th बंदे पर, मतलब यहाँ पर आखिरी बंदे पर इतने एरिया का कोई भी नंबर उठा के रख देंगे। क्या तुम ये समझ पा रहे हो, हम 7th बंदे पर इतने एरिया का कोई भी नंबर उठा के रख देंगे, सिंपल है, स्टार्ट। अब सवाल है कैसे करोगे भैया ये, राइट। तो सुनो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी मैं एक रैंडम नंबर निकालूंगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं वो रैंडम नंबर आया 3, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 1, 2, 3, 4, 5, 7, इसकी लेंथ 7 है। तो रैंडम नंबर जब आएगा और मैं फ्लोर कर दूंगा, तो अगर आपको पता है तो रैंडम नंबर हमेशा 7 से लेस आएगा, ये रैंडम नंबर की क्वालिटी होती है, मैथ डॉट रैंडम, राइट। अगर मैं फ्लोर कर दूंगा, तो अगर आपको नहीं पता, तो 0 से 10 के बीच में अगर रैंडम नंबर निकालोगे तो 0 से हमेशा बड़ा होगा और 10 से हमेशा छोटा होगा, मतलब वो 0 पॉइंट कुछ होगा क्योंकि वो 0 से बड़ा है, और 9.999 तक जाएगा पर कभी 10 नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमेशा 0 से 9 के बीच में होता है, ठीक है। और फ्लोर करने से क्या होगा, तो जो फ्लोर करने से 0.12 बन जाएगा 0 और 9.99 बन जाएगा 9, फ्लोर करने से पॉइंट वाला पार्ट हट जाता है। अच्छा, तो भैया आप ये कहना चाह रहे हो आप रैंडम नंबर निकालोगे टोटल लेंथ के बराबर, जी हाँ। तो रैंडम नंबर मान लेते हैं 3 आया, ओके, फिर भैया आप क्या करोगे, मैं ये करूँगा कि मैं 7 की जगह
मैं 7 की जगह 0, 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहां पे 4 आ जाएगा और 7 को उठा के यहां डाल दूं। क्या तुम ये समझ रहे हो? और अगली बार रैंडम नंबर 1 कम तक निकालूंगा, अगली बार रैंडम नंबर 1 कम तक निकालूंगा। ओके चलें, तो यहां पे सीन ये है, सबसे पहले मैं रैंडम नंबर इतने एरिया का निकालूंगा, मान लेते हैं हमारा रैंडम नंबर आया 2, ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स ये है, तो इसको इससे मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारा 7 आ चुका है, यहाँ पे हमारा 3 आ चुका है, फिर अगली बार जो मैं रैंडम नंबर निकालूंगा वो इतने एरिया तक निकाल, इतने एरिया तक, समझ रहे हो? अब रैंडम नंबर लेट्स से 4 आ गया, तो 0, 1, 2, 3, 4 फोर्थ बंदे को इस बंदे से रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं जो रैंडम नंबर निकालूंगा वो इतने एरिया का निकालूंगा, समझ रहे हो तुम बात को? तो हर बार हमारे एक एक लास्ट के जो नंबर्स होंगे, लास्ट के नंबर्स जो होंगे वो शफल होते जाएंगे, ठीक है, ये शफल हो जाएंगे इनसे, इनके कंपैरिजन पे, तो अब ये नंबर इन दोनों में से किसी से शफल होगा, इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर कोड लिखते हैं इसका, लेट्स गो, लेट्स राइट द कोड। सबसे पहले हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या लेते हैं अपन, एक रैंडम नंबर निकालो, ठीक है, रैंडम नंबर काय के बीच में निकालना है, अरे के टोटल लेंथ के बराबर, तो अरे की लेंथ हमारे पास होनी चाहिए, राइट, तो मैंने बोल दिया शफल भी नहीं बोल सकते हम इसको क्या देंगे, टोटल शफल एरिया, एरिया कहेंगे, आर यू श्योर, हाँ एरिया ही कहेंगे, ARR.length बाय डिफॉल्ट टोटल शफल एरिया कितना है, पूरा है, ठीक है। और एक रैंडम नंबर अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले कितना एरिया शफल एरिया है वो निकालो, शफल एरिया है तो कितना एरिया शफल एरिया, मतलब कितने एरिया में से आप चीज़ों को रैंडमाइज कर रहे हो, ठीक है, तो हम पूरे एरिया में से, अभी तो क्योंकि नया नया आ रहे हैं तो हम पूरे एरिया से रैंडमाइज कर रहे हैं, इसलिए हम पूरे रेंथ के बराबर एक रैंडम नंबर निकालो, तो ठीक है, मैथ डॉट रैंडम दिस विल गिव मी 0 to 0.9999, 0 to 1 के बीच में कुछ देगा, मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ मेरे टोटल शफल एरिया, शुड आई डू दैट कम ऑन, यस आई शुड, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 7 से, तो ये मुझे 0 से 7 के बीच में कोई नंबर देगा, मैट डॉट फ्लोर कभी भी 0 से कभी ना ही 0 देगा, कभी 7 नहीं देगा, 7 नहीं देगा, ये 0 से 7 के बीच में नंबर देगा, ओके। तो हमें हमारे पास एक इंडेक्स आ चुका है, ठीक है, तो दैट इज इंडेक्स टू बी एक्सचेंज्ड, ठीक है, हमारे पास एक इंडेक्स आ चुका है जो एक्सचेंज करना है, अब एक्सचेंज किससे करना है, और एक चीज़ और, ये सारा कोड और ये एक्सचेंज वाला पार्ट कब तक करते रहना है, ये एक्सचेंज वाला पार्ट कब तक करते रहना है, जब तक हमारा टोटल शफल एरिया 0 ना हो जाए, अभी ये इतना बड़ा है, राइट, हम एक बार करके देखते हैं फिर उसके बाद हम उसे करते रहना है, ठीक है। तो अगर अपन समझे हिंदी में, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं टेम्प इंट की जगह वी गो वेयर, क्योंकि मुझे सी लैंग्वेज की काफ़ी आदत है तो इंट आ जाता है कई बार, ठीक है, सो वेयर टेम्प, तो टेम्प में मैंने सेव कर लिया मेरे अरे का कौन सा बंदा आखिरी बंदा टोटल शफल एरिया वाला बंदा जो कि लेंथ के बराबर है, ठीक है, ओके। मैंने फिर उसके बाद, तो यहाँ पे मैं अभी स्वैपिंग कर रहा हूँ, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस इज बेसिक्स, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अरे में से टोटल शफल एरिया मतलब उसकी लेंथ मतलब आखिरी बंदा शुड वी डू दैट, मुझे टोटल शफल एरिया तुरंत माइनस कर देना चाहिए, नहीं तो मैं लेंथ बराबर तो वैसे भी नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है, परफेक्ट, तो मैंने उसे माइनस कर दिया, या फिर वैसे यहाँ पे भी -1 कर सकता हूँ इफ आई वॉन्ट, शुड आई डू दैट, बट ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्यों, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे।
ARR टोटल शफल एरिया, शफल एरिया मतलब यहाँ तक का एरिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आखिरी इंडेक्स मतलब सेवन जो भी है, सेवन सेव कर दिया क्या मैं टेम्प में, सेवन की जगह पे मैं किसे सेव कर रहा हूँ, अरे का इंडेक्स टू बी एक्सचेंज्ड। तो इनमें से कोई भी एक इंडेक्स होगा जो सेवन की जगह पर आ गया, ठीक है। और जिस इंडेक्स की वैल्यू उठा की थी मैंने इंडेक्स टू बी एक्सचेंज की, उसकी वैल्यू वापस मैंने सेवन डाल दी है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि थ्री यहाँ आ गया और सेवन यहाँ आ गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस आपको कितनी बार करना है साहब, ये प्रोसेस आपको कितनी बार करना है, ये प्रोसेस आपको तब तक करना है, ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक आपके पास टोटल शफल एरिया जीरो ना हो जाए। तो जब तक टोटल शफल एरिया जीरो से बड़ा है तब तक आप ये प्रोसेस करें, और लास्ट में आप रिटर्न कर दें आपका, अरे ठीक है, आप यहाँ पर कंसोल लॉग करके चेक करिए क्या हमने उसे शफल करवा दिया। जी हमने सफल करवा दिया है। सी एवरी टाइम पे यहाँ पे वैल्यूज रैंडमाइज्ड है। तो अगर मैं समझाऊँ आपको, माइट भी डिफिकल्ट लग रहा हो, बट डिफिकल्ट नहीं है यार। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सुनो, मैं आपको इसकी वैल्यूज काउंट करा के बताता हूँ। देखो सुनो, सबसे पहले ARR डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, सेवन है, ठीक है। टोटल शफल एरिया कितना है, सेवन है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टोटल शफल एरिया कितना हो गया, सेवन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल शफल, अच्छा क्या टोटल शफल एरिया जीरो से बढ़ा है, बिल्कुल है। क्या टोटल शफल एरिया माइनस माइनस हो रहा है, जी हाँ, इसकी वैल्यू हो गई सिक्स, ठीक है। इंडेक्स टू बी एक्सचेंज्ड, इंडेक्स टू बी एक्सचेंज मान लेते हैं यहाँ पे कौन सा इंडेक्स आ गया, अब ये तो रैंडमाइज्ड है तो ये कुछ भी आ सकता है, मान लेते हैं इंडेक्स टू बी एक्सचेंज आ गया, इंडेक्स टू बी एक्सचेंज्ड आ गया थ्री, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया, अरे का टोटल शफल एरिया, टोटल शफल एरिया की वैल्यू क्या है, सिक्स। तो अरे का सिक्स इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स कौन है, सेवन। गिन लो आप, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कौन है, सिक्स इंडेक्स कौन है, सेवन है, ठीक है। तो अरे का सेवन मैंने कायम सेव कर दिया टेम्प में, तो टेम्प की नई वैल्यू क्या है इस वक्त, टेम्प की वैल्यू है सेवन, ठीक है। फिर मैंने अरे का टोटल शफल एरिया, टोटल शफल एरिया क्या है, सिक्स। तो मैंने अरे के सिक्स पोजिशन पे, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बट अरे की सिक्स पोजिशन पे, क्या 12 बज गए, 12:30 बज गए, ओके। अरे की सिक्स पोजिशन पे, अरे की सिक्स पोजिशन पे, क्योंकि टोटल शफल एरिया की वैल्यू क्या है, सिक्स। तो अरे के सिक्स पोजिशन पे मैंने क्या रख दिया, अरे इंडेक्स टू बी एक्सचेंज्ड। अरे का थर्ड पोजिशन का वैल्यू जीरो वन टू थ्री, तो फोर उठ के कहाँ आ गया, यहाँ। तो यहाँ फोर आ जाएगा और फिर यहाँ सेवन आ जाएगा। ये जो लाइन लिखी है ना आपने, ये तीन लाइन, इनका काम क्या है, किसी इंडेक्स की वैल्यू उठा के कहीं डालना और उसकी वैल्यू उठा के यहाँ डालना, इसको हम स्वैपिंग कहते हैं। ये बहुत बेसिक सा कोडिंग सिनेरियो है जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बंदा ऑलरेडी यू नो जाना हुआ, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन से होते हैं कई बार, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक चीज़ आपको ऑलरेडी आती हो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है, एक वैल्यू उठ के यहाँ आ रही है। तो इट्स मोर लाइक एक वैल्यू, हमने यहाँ पे तीन कप्स थे ए बी एंड सी, हमारे पास वैल्यू क्या थी, एक और दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले वन को उठा के सी में रख दिया, फिर हमने टू उठा के यहाँ पर रख दिया, फिर जो वन मैंने सी में सेव किया था वो उठा के यहाँ पर रख दिया। तो ध्यान से देखो, इनकी वैल्यू पलट गई है, तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टैम्प क्या है, टैम्प आपका वो तीसरा वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, टोटल अरे की इस इंडेक्स की वैल्यू और अरे की इस इंडेक्स की वैल्यू को शफल करवा दे रहा है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, ठीक है। और लास्ट, और फिर जब तक ये होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, टोटल शफल एरिया बार बार वैसे ही कम हो रहा है, तो फिर जितने एरिया से आपकी वैल्यूज को उठा के दूसरी जगह रखना था वो एरिया घटता जा रहा है, क्योंकि टोटल शफल एरिया आपने माइनस कर रहे हो, ठीक है। तो शफल एरिया कम हो रहा है, और लास्ट में सारे नंबर्स जब पीछे के ऐड होते जाएंगे, दैट्स अबाउट इट, आप पूरा अरे रिटर्न कर सकते हो, सो यू विल बी एबल टू सी, ठीक है साहब। तो दैट्स हाउ इट्स डन, आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो गई है, ठीक है, ओके। अब आते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे, दैट इज राइट, इज जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कंप्यूट द यूनियन ऑफ टू अरेज। अपन के पास एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है जो दो अरे का यूनियन बनाएगा, बहुत ईजी है, फंक्शन ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे अरे वन है, यहाँ पे अरे टू है, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी का नाम ए बी सी डी ना रख के यूनियन रख सकते हैं, ठीक है। यूनियन क्या होता है, दो अरेज को मिक्स करके सिर्फ दो अरे को मिक्स करो और सारे कॉमन
बंदे जितने हैं वो एक ही एक होने चाहिए, सॉर्ट ऑफ यूनियन ये होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, वरी डो वरी। तो फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4, और अगला आ रहा क्या है 2, 3, 5 एंड 2, 3, 4 एंड 6। तो यूनियन क्या निकलेगा 1, 2, 3, 4 एंड 6, दैट वुड बी द यूनियन, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अरे वन में कॉन्कैट कर देंगे अरे टू को। ये हमें देगा एक अरे जिसमें दोनों मेंबर्स होंगे, और हम उसे एक सेट में पास कर देंगे। तो ये मुझे एक कह सकते हो आप एक सेट बना के दे देगा, और फिर मैं सेट को सेव करा दूंगा एक, फिर मैं सेट को, ये जो सेट है इसको मैं एक अरे वाले मॉडल में रख दूंगा। तो दैट विल मेक इट अरे बैक अगेन। देखो सुनो, ये चीज़ सेट है, ठीक है, ये चीज़ सेट है। तो अगर मैं इसके आगे स्प्रेड ऑपरेटर लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अरे बन जाएगा। रिटर्न कर दीजिए और आप इसको स्ट्रेट अवे प्रिंट करके चेक कर सकते हो। एंड सेइंग के कहीं पर कुछ मिसिंग है, ओह ये आई मिस्ड द ब्रैकेट देयर, सी 1, 2, 3, 4 एंड 6 यूनियन हो चुका है, राइट। यू कैन पुट एज मैनी सक्सेस एज यू वॉन्ट एंड इट विल स्टिल हैव जस्ट 1, 6, सी, राइट। तो दैट वॉज द यूनियन पार्ट। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आओ एक बार फिर से देख लो क्या है, अरे वन और अरे टू को जोड़ दो। सबसे पहले अरे वन डॉट कॉन्कैट कॉन कैट अरे टू, और अगर मैं ऐसे अभी प्रिंट करके आपको बताऊं तो ये दोनों जो जुड़ गए हैं इसमें सारे, बस इसमें रिपीटेड मेंबर्स हैं। रिपीटेड मेंबर्स हटाने के लिए आप उस अरे को काय में पास कर दीजिए, सेट में, न्यू सेट में पास कर दीजिए, तो वो आपको एक सेट बना के देता है, अरे नहीं, रिपीटेड मेंबर हट गए बट वो क्या है, सेट है, हमें अरे चाहिए। तो आप इस सेट को वापस अरे में कैसे कन्वर्ट करो, सेट को एक अरे वाले ब्रैकेट्स में लो और उसके आगे स्प्रेड ऑपरेटर लगा दो, तो ये पूरा सेट कन्वर्ट हो जाएगा काय में, अरे में, राइट। एंड सी यू कैन सी सिंपल एज दैट, राइट। तो हमने यहाँ पर अभी अभी जो अकॉम्प्लिश किया है वो है यूनियन वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेट्स गो। अरे अरे अगले क्वेश्चन पे कहाँ जा रहे हो, बात तो सुनो, 20 क्वेश्चन थे इस वीडियो में, अगले वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन, और बड़े ताबड़तोड़ और इनकी इंटेंसिटी बढ़ती रही, ठीक है। अगले 20 क्वेश्चन कब अपलोड किया जाए, हर्ष कब अपलोड किया जाए, 500 लाइक्स पे कर देते, कमेंट डलवा देंगे, कमेंट डलवा देंगे, चलो ठीक है। नहीं यार 800 नहीं, 150 कर लेते, चलो ठीक है, 500 लाइक्स 150 कमेंट्स और अगले 20 क्वेश्चन और बढ़ती हुई इंटेंसिटी में होंगे। और देखो अपना गोल विजन एकदम सिंपल है, धीरे धीरे क्वेश्चंस की रफ्तार बढ़ाएंगे, क्वेश्चन की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और ज्यादा बेहतर क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन तुम याद देख पा रहे होगी, और ये सारे तगड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, परेशान मत होना, अगली क्वेश्चंस की शीट पे अपन फिर से मिलेंगे, अगले 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। वीडियो शेयर एंड स्कोरिंग स्कूल चैनल, यही वाला अपना वाला, राइट, सब्सक्राइब मारो, चलो तुम काम करो, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो फटाफट, अगले क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा वेट करो, कितने 500 लाइक्स ना, 250 कमेंट्स ना, क्या 150 कमेंट्स, 150 कमेंट्स, 500 लाइक्स दोस्तों, और अगली शीट आपके चैनल पे आ जाएगी, ठीक है, बाय बाय। तब तक अपने ख्याल रखो, इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस अपने मन से लगाना, तब तक 500 लाइक्स हो जाएंगे, 150 कमेंट्स हो जाएंगे, मैं आपके पास आ जाऊंगा, राइट, बाय बाय।